मेरे साथ में भगवत नाम का उच्चारण होता रहता है तो इससे हमारी यात्रा है ज्यादा फलीभूत होती है। ऐसा करने से एक तो एक हमारे में शक्ति का संचार होता है, चलने में भी हमारे को सुविधा मिलती है और किसी प्रकार से कोई जीव हिंसा का भी दोष हमें नहीं लगता है। कोई कीड़ा वगैरह पैर में आ भी जाए भूल से तो उसे भगवान की कृपा मिलती है, रक्षा हो जाती है। तो ऐसे में हरिनाम कीर्तन करते करते जा रहे हैं, चलते चलते हुआ क्या संयोग, जो गाड़ी में जुता हुआ बैलों की जोड़ी थी, एक बैल अचानक नीचे गिर पड़ा और गिर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए, मर गया वो। अब एक बैल से गाड़ी चलने वाली नहीं, वहां रथ वैत तंबासु तुम्हारे हितदास करुणा उचरे। अब वहां पर प्रेमी जनों ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज हम संतों के सत्संग एवं दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं, चल तो दिए परंतु अब ऐसे पहुंच कैसे सकेंगे, गाड़ी रुक गई बीच में, आपकी कृपा हो आपका साथ रहे तभी हम वहां पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। हे दीनानाथ आप सत्संग जैसे शुभ कार्य में यदि हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हम किससे जाकर के कहें, और दिशा दिशे नहीं जिनसे करूं पुकार, करुणा सागर राम जी कीजिए वेग संभार। और कोई सुनने वाला नहीं, और सुने भी तो पूरी कर सकता नहीं क्योंकि उनमें वो पूर्णता की शक्ति नहीं है, केवल आप में ही पूर्णता की शक्ति है, पूर्ण है। जो कोई आपके सम्मुख आ जाता है वो भी सदा पूर्ण ही होता है, पूर्ण से पूर्ण मिलने के बाद में पूर्ण ही होता, पूर्ण माता पूर्ण मेदम पूर्णा पूर्ण मदचते पूर्ण से पूर्ण माधा या पूर्ण मेवावशिष्यते। ऐसे प्रार्थना की तो उस बैल के पास में बैठ करके भगवान नाम का कीर्तन करने लगे तो जीवाय तो सिद्ध काज ही इम हो साध समाज संत समाज का दर्शन मिलेगा। ये तो हरि हरिजस गाविया, वहां बैठ करके जो है हरिजस गान गान करने लगे, भगवान नाम का उच्चारण किया, बैल एकाएकी जो मरा हुआ था जीवित होकर के खड़ा हो गया, बैल उठ छिन्न दाविया तत्काल तौर पर। ऐसे राम जी बड़े सहायक है, केवल वे चाहते हैं कि कोई विदेश पुकार करे, सच्ची पुकार करे। अरे दुनिया भगवान के सामने प्रार्थना करती है और प्रार्थना में अपने सभी दोष बताती है, मैं ऐसा दुर्गुणी हूँ, मैं दुर्गुण मैं व्यभिचारी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं विष्णी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कैसे कैसे भाव भगवान के सामने एकांत में बैठ करके कहेंगे, निवेदन करेंगे, ऐसा ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, पापी हूँ कह देंगे। परंतु जो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं वो नकली है या असली है, इसकी भी परीक्षा करनी चाहिए। प्रार्थना भी हो तो उसमें भी नकल, क्योंकि प्रार्थना केवल एकांत में बैठ करके भगवान के सामने हम करते हैं, पर हमारी की हुई प्रार्थना की परीक्षा तब होगी जब मैंने अपने भगवान के सामने बातें कही है, वही बातें दूसरा आदमी हमारे को सुनावे और हमें बुरा नहीं लगे, क्रोध नहीं आवे, अटपटी नहीं लगे, तो सोचो कि हमने भगवान के सामने प्रार्थना बिल्कुल सच्ची की है। और ऐसी सच्ची की हुई प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं तो टपला करने वाले बालक के समान रोने का स्वांग करता है, आंखों में आंसू नहीं, केवल ही करता रहता है रोने रोने के, तो वो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। केवल ऐसे भगवान हृदय की सच्ची प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। इस प्रकार वे जो उन्होंने पुकार की तो अपने अवगुण आप मुख कहत विनती माए, साची उनकी जानिए पर वो खीजे ना है। दूसरा कोई कह रहे हमें क्रोध नहीं आवे ना, तब सोचो हमने सच्ची प्रार्थना की है। इसलिए प्रार्थना भी करें तो एकांत में तो चाहे जैसे कह देंगे भगवान से, कि अपने मालूम है दूसरा तो कोई सुनने वाला है नहीं, और भगवान को कहेंगे तो कोई बात नहीं, भगवान तो जैसा है उसे अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। दूसरों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा कोई दोष है। अरे अपना दोष हमें तो दिखता नहीं, यदि हमें अपना दोष दूर करना है तो दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम दूसरों के सब चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन कमी यह है कि हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, अपने को अपना चेहरा नहीं दिखता, दूसरों का सबका चेहरा दिख जाएगा।
परंतु अपना चेहरा देखना है तो कांच का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। कांच में देखने से पता चलेगा कि तुम्हारा कहाँ दाग लगा हुआ है, कहाँ पर क्या चीज है, गड़बड़ी है। दर्पण ही सही सही बात बता सकता है। तो समाज है, दूसरे लोग हैं, वो यदि हमारे दोष कोई बताते हैं तो ये उनकी बड़ी भारी कृपा है। ऐसे कांच के समान वे हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हमारी गलती को हमारे सामने प्रकट करके हमें बता देते हैं। अरे उनकी दया नहीं हो तो हमें क्या पता चले कि हमारे पास भी गड़बड़ी है। इसलिए जहाँ प्रार्थना में बड़ी सरलता, विनम्रता और सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई से की हुई प्रार्थना तत्काल सफल होती है। किसी भी जगह जाओ, किसी भी युग में देखो, किसी काल में देखो। ऐसा आज राम सहाय की, गुरुदेव ना के गाय की, ऐसी इस प्रकार की बातें हैं। राम जी सहायक होते हैं, ये गुरुदेव जी महाराज कृपा करके ये बात हमें समझाते हैं और हृदय में धैर्य दिलाते हैं इस बात के माध्यम से। आगे का प्रसंग सुदामा जी का बताने लगे। एक द्विज रौरव अंत छद्दाम नामा संत, एक सुदामा जी नामक ब्राह्मण देवता जो बड़ी दीन दुखी अवस्था में थे, कठिनाई से अपना समय निकाल रहे थे, गरीबी हालत में उनका जीवन चल रहा था, परिवार में बाल बच्चे हैं, पत्नी है, परंतु उनके लिए खाने पीने का, रहने का, पहनने ओढ़ने का कोई प्रबंध उनके पास में नहीं। भूख से दुखी होते हैं बाल बच्चे, बार बार रोते हैं, माता के पास जाते हैं, माता भी उनको दुखी देख करके स्वयं दुखी होती है। जब पंडित जी कुछ भिक्षा की सामग्री लेके आते हैं तो पहले बच्चों को खिलाने के बाद कुछ पंडित जी को खिलाती है और बाद में कुछ आप भी प्रसाद लेती है। इस प्रकार उनका जीवन ब्राह्मण के अवस्था में प्राय करके लक्ष्मी बहुत कम ठहरती है ब्राह्मणों के पास, जबकि धंधा सब प्रकार का कर लेते हैं। ब्राह्मण यजमानी कर लेते हैं, पंडित ही कर लेते हैं, व्यापार भी कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, खेतीबाड़ी भी कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी उनके पास में लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो पाता है, बहुत कम। कोई से एक विरले तो कोई ब्राह्मण होंगे जो धनवान होंगे, नहीं तो हर एक दिन नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी ने पूछा एक बार, हे कमला सागर सुता शशि भगनी हर वाम, कुल विप्रन को छाड़ कर क्यों क्यों नीच कर धाम। हे लक्ष्मी देवी, तो समुद्र की तो बेटी है और चंद्रमा की बहन है, भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है, इतना बड़ा बड़ा तेरा ये कुनबा है, बताओ कौन सा कुनबा छोटा है। तू इतने बड़े घर के होते हुए भी ये ब्राह्मणों के घर नहीं रह करके दूसरे लोगों के घर क्यों ज्यादा रहती है? ब्राह्मणों के यहाँ कम रह करके दूसरों के क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं तो सबसे पहले उनका आदर करना चाहिए, उनके घर रहना चाहिए तुम्हें भी। पर लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये ब्राह्मण मेरे पक्के बैरी है, पक्के बैरी, मैं इनसे बहुत द्वेष रखती हूँ। क्योंकि कमला कहता हो आदि में अगस्त मुनि पी गए हमारे पिता सिंधु का ही गाँव में। पहले पहले देखो ब्राह्मणों ने क्या किया, अगस्त ऋषि ने मेरे बाप को ही खत्म कर दिया। अगस्त ऋषि गए समुद्र में, समुद्र से पैदा होती है मैं तो समुद्र को ये तीन चलो में और ये ओम स्वाहा खत्म कर दिया। बताओ अब बताओ, जो बाप को मारे ऐसा कोई ब्राह्मण पसंद आएगा किसी को? वो ब्राह्मण किस काम का जैसे मेरे बाप को खत्म कर दिया। तो पी गए हमारे पिता सिंधु का ही गाँव में और उसके बाद में भृगु जी हमारे प्राणनाथ जो कि ये माए लात को प्रहार किया। भृगु ऋषि गए और मेरे पतिदेव बेचारे सो रहे थे, नींद में थे, वो भृगु जी ने जाकर के उन्हें छाती में वो लात मारी, अमोजने वाली बेचारे उनको अमोजने वाली। अब बताओ मैं देखती रही, अब मेरी कौन सुनवाई करे, उन्होंने लात मार ही दी। अब बताओ मैं ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति को कोई लात मारे और वो सहन कर लेगी? तब बताओ भृगु जी ने ब्राह्मण ने ही तो उन्होंने लात मारी, इसलिए वो ब्राह्मण मेरे बैरी। बाप को उन्होंने मारा, मेरे पति को उन्होंने मारा, और मेरे से बैर रखने वाली सरस्वती को सदा मुंह में बैठा करके क्या कहते हैं, ठगणी माया, महा ठगणी माया हम जानी,
सदा मेरी मेरी कटौती करते रहते, काट करते रहते, माया मां ठगड़ी जाने, हमेशा ठगड़ी ठगड़ी कहते रहते। बताओ अब मैंने उनका क्या बिगाड़ा जो मुझे ठगड़ी ठगड़ी कहते हैं? नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मणों के पास जाना नहीं चाहती। और तो और, जब शिव जी का अभिषेक करते हैं ना, उस समय कमल के फूल तोड़ तोड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कमल के फूल तोड़ तोड़ करके शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं वही पंडित लोग ब्राह्मण लोग। तो बताओ कमल का फूल तो मेरा घर है, और मेरा घर तोड़ तोड़ करके जो चढ़ाते हैं, बताओ ऐसे ब्राह्मणों के घर में कैसे जाऊंगी? ताते भूली भूसुरु के भवन में न जाऊं, मैं भूल करके मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाना चाहती। परंतु करो क्या, भगवान उनको आदर कर देते हैं, इसलिए ठीक उनके गुजार हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत उनके पास में सेवा के लिए आती जाती रहती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा उनके पास में नहीं रह सकती। ऐसे सुदामा जी ब्राह्मण के घर संपत्ति थी नहीं, भूख से समय बड़ी कठिनाई से निकल रहा था। बातचीत करते पति पत्नी बैठ करके, भगवान की चर्चा होती, भगवान कृष्ण के साथ में जो उनकी मित्रता हुई बाल्यकाल में वो बताते। तो पत्नी ने कहा, अरे आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, आप कभी उनके पास में जाते ही नहीं, सुना है भगवान के सम्मुख होने पर सन्मुख हो जीव मुहि जब ही जन्म कोट अगनाश है तभी, भगवान के सम्मुख होने पर सभी प्रकार के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एक नहीं अनंत जन्मों के कष्ट मिट जाते हैं। तो आप कभी उनके पास में जाते नहीं, न मालूम उनके सम्मुख होते हमारा भी कोई ऐसे दुख का पर्दा दूर हो जाए तो क्या पता। इस प्रकार उन्होंने बार बार पत्नी ने समझाया। ऐसा भी सुनने में आता एक जगह, तो एक बार उन्होंने विचार किया कि हम चलो किसी राजा के पास में जाकर के कुछ संपत्ति लेके आते हैं। उस छोटे बालक को साथ में दिया और वे चल पड़े उस राजा से मिलने के लिए। जाते जाते विचार करते हैं कि अब राजा के पास जा रहे हैं तो बड़े लोगों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। राजा जोगी राजा है, देवो राजा गुरु भार्या वैद्यो नक्षत्रपाठ का है। एक तो देवता, एक राजा, एक गुरुजी और वैद्य जी, एक ज्योतिषी, इनके पास में खाली हाथ मत जाओ। कुछ लेकर के जाओगे तो आपका ठीक भला होगा, नहीं तो गड़बड़ बता देंगे। वैद्य जी कोई बीमारी लंबी बता देंगे, और ज्योतिषी भी कह देगा राहु की गति एक शनि गति बता देंगे, मंगल की दुर्गति बता देंगे। और यदि नोट दिखा दिया अब तो कह देंगे चलो है थोड़ी बहुत, लेकिन इसको ऐसे कर दो ठीक ठाक हो जाएगा तुम्हारे, ऐसे कुछ खाली आदमी होना चाहिए। देवो राजा, तो अब मैं ले जाऊं क्या उनके पास? बीच में एक जगह कहीं गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे बैठे, पास में गन्ने का खेत, किसान का गन्ने का खेत। अब खेत गन्ने तो अच्छा कुछ नहीं है, चलो गन्ने ले चले, लेकिन चोरी तो करके ले जावे नहीं, अगर किसान देवे तो ले जाना अच्छा रहेगा। अभी तो देखा किसान भी वह बेटा मिल गया, पूछा भाई एक दो गन्ने दे सकते हो क्या? मैं भगवान, मैं इस प्रकार गरीब ब्राह्मण हूँ, इस प्रकार में गन्ने की जरूरत है मुझे। दे दिया किसान के, ले जाओ पंडित जी कोई बात नहीं, आप है गन्ने की तोड़ करके उनकी गठरी बना ली, बना करके दे पंडित जी, ले जाओ आप कोई काम ले। पंडित जी अब वो एक काक में तो है बच्चा और दूसरे काक में गठड़ी गन्ने की, पहुंच गए राजा के पास। सब लोगों ने स्वागत किया, पंडित जी को बैठाया। अब जब पंडित जी वहां पहुंचे, जाकर के राजा का अभिवादन किया, तो वो गठड़ी गन्ने की लेकर के राजा के सामने रखी, पर भाग्य ऐसा पलटा जो गठड़ी के सूखे लकड़ी के गोचे बन गए, बड़ी तरह बन गई लकड़ी, गन्ने की जगह लकड़ी की गठरी बन गई। अब लकड़ी देखी तो सभी लोगों ने बड़ा नाराज होकर के, ये क्या बेईमान ब्राह्मण, राजा के सामने लकड़ी लाकर रख दी इसने, अब शुगन कर दिया। अब ये बड़ी तरह सामने कोई यात्रा में जावे सामने मिल जावे तो शुगन खराब हो जाता है, ऐसे इसको मारो नालायक को। पिटाई करने के लिए तैयार हुए, पर राजा ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, इसने क्यों बल रखा है, थोड़ा विचार तो करो, कोई ना कोई कारण होगा, हेतु रत्न भविष्यति, कोई ना कोई इसमें कारण होना चाहिए। अब उनसे पूछा, पंडित जी आप ये लकड़ी बलिता कैसे लेकर के आए बताओ?
तो पंडित जी ने कहा क्या बताऊं, ऐसी बात है महाराज, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास में कुटुंब परिवार के पालन करने लायक कोई योग्यता है नहीं, क्षमता नहीं, कोई चीज वस्तु नहीं, तो मैं लकड़ी इसलिए लेके आया हूं कि आप कृपा करके इस लकड़ी से मेरी दरिद्रता को, कंगाली को जला करके भस्म कर दो, कंगाली को खत्म कर दो इनसे जला करके। राजा कहा महाराज बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात कही, 1000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली भर करके पंडित जी को भेंट कर दी, लो सत्कार किया। अच्छा आया प्रसाद लेकर के आया है, निराश कैसे किया जाए। उन्होंने 1000 रुपये की मोरों की थैली भर के पंडित जी को भेंट कर दी। पंडित जी बड़ी खुशी खुशी वहां से आशीर्वाद देते हुए लौट चले। अब लौट चले, लौटते समय रास्ते में वही गर्मी का समय तो था ही, एक बीच में बड़ा भारी पेड़ आया, पेड़ के पास में कुआ था, जगह अच्छी थी, विश्राम करने लायक जगह थी, वहां पाट के ऊपर वे भाट पत्थर का जो बना था पाट था उसके ऊपर वे बैठ गए, सोए सो गए, थके थे नींद आ गई। बच्चा वही पास में खेलने लगा, खेलते खेलते बच्चे ने क्या किया को मोर वाली थैली उठाई और उठा करके वहां से गया कुएं के पास में और कुएं में पटक दी थैली, कुएं में पटक दी, वो जोर से आवाज आई। पंडित जी उठे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, देखा हुआ तो बच्चा कुएं के पास खेल रहा था, छोरा कहीं कुएं तो नहीं गिर गया, देखा वो तो बैठा है, परंतु पास में थैली देखी, थैली नदारत नहीं मिली। पंडित जी ने पूछा बेटे से, बेटा थैली कहाँ गई? बच्चे ने कहा यहाँ गई है, कुएं बता दी, हाथ फेर दिया, भाई ये भाग में लिखा नहीं है, तो भले मिल गई तो भी रेणी हाथ में नहीं है, रेणी सब भाग्य में लिखे बिना अगर हम कोई रोटी भी खा लेते हैं तो वो बच्ची नहीं होगी, हजम नहीं होगी, वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी होकर के वापस निकल जाएगी, लिखे बिना कोई चीज को कोई हजम नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। पंडित जी ने कहा ठीक, जो दरिद्रता लिखी है तो वही जाएगी, अब कौन बदल सकता है, चलो। भगवान का नाम लेते लेते वापस जो गए थे वैसे के वैसे वापस घर में आ गए। अभी बार बार द्वारका जाने के लिए द्वारिका जाओ हो, जो द्वारिका जाओ हो, जो आठों जाम यही जग तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जाओ कहाँ अपने के तेरे। द्वार खड़े दरवाजे के ऊपर बहुत बड़े बड़े सूरवीर पहरेदार खड़े रहते हैं, कौन जाने देगा मुझे अंदर से, और ये बार बार कह रहे द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो। अब द्वारिका जाऊंगा तो सही, पर तो राजा को भेंट कुछ करनी चाहिए, मैं क्या ले जाऊंगा, चलो कुछ कुछ भेंट लायक चीज तो ला के दे दे। ओके महाराज आप तैयार तो हो जाओ, मैं थोड़ा चावल लेकर के आती हूँ, चावल दे दूंगी आपको, लाओ दे। चार घरों में जाकर के चार मुट्ठी चावल लेकर के आई, और चार घर से लाई है तो चार तरह का चावल हो गया, एक रंग का नहीं, जिस घर में कैसा है तो वो तो वैसा दे दिया, वैसा दिया, चलो मिक्सर बना दिया, ये मिक्सर हो गया, नमकीन जो खाने पीने के लिए मिक्सर बनाते हैं वो, उधर फटे पुराने कपड़े में उसको बांध दिया और बांध के अपने पति देवता को दे दिया, तुम ले जाओ और मेरी तरफ से उनको प्रणाम निवेदन कर देना, आप जाओ, मांगना नहीं, मैं नहीं करूंगा, मांगो आप, केवल आप दर्शन करके वापस आ जाओ, उनके दर्शन मात्र से दर्शन किया सबे अग जावे, भगवान के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, अपना आप ही दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे सूर्य उदय होता है तब अंधेरे को नहीं कहना पड़ता है कि तुम गेट आउट, अब चले जाओ, सूर्य आ गया है, वो तो अपना आप ही भाग जाएगा, रहेगा नहीं। तो जब भगवान के सम्मुख होंगे तो स्वाभाविक अपने दुष्कर्म अपने नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप जाइए, चलो। चल दिए सुदामा जी, भगवान ने कृपा करके सुदामा जी को जहां थोड़ी देर के विश्राम किया था बीच में, वहां से भगवान ने सोचा कि अब ये मेरी तरफ चल चुका है, ये अपनी गति से चल चुका है, तो आगे का काम मुझे ही करना पड़ेगा। गर्ड जी को आदेश दिया, जाओ सुदामा को लेकर के यहाँ द्वारिका में पहुंचा दो। इस तरह रास्ते में विश्राम करते हुए सुदामा जी को गर्ड जी उठा करके ले आए द्वारिका के पास में, गोमती नदी के किनारे उन्हें पहुंचा दिया। प्रातः ले ठाड़ो कियो, नदी गोमती तीर, गोमती के तट पर उनको कर आस पास में आंख खुल के देखते तो ये बड़ा भारी शहर दिखने लगा कि यहाँ कहाँ शहर आ गया, मैं तो अभी सोया था रात को, ये कौन सा शहर आ गया। पूछा लोगों से कौन सा शहर है, द्वारकापुरी है। अरे द्वारका लोग मजाक कर रहे होंगे, ऐसे कैसे जल्दी आ गई द्वारकापुरी, अभी तो मैं रवाना हुआ रात को तो, और आज यहाँ तक पहुँच कैसे गया।
नहीं नहीं और कोई झूठ बोल देंगे, कोई मजाक कर रहे होंगे, और दूसरे से पूछा, दो से चार से सब जिनसे पूछा, सब ने द्वारिका ही कहा। द्वारिका कौन सी? आज भी चार द्वारिका है ना, कौन सी द्वारिका? जो भगवान श्री कृष्ण रहते वही द्वारिका है। अच्छा, अब गोमती में स्नान किया, स्नान करके वहां पूजा पाठ करके आगे की तरफ बढ़े हैं, तो भगवान के जो सारे महल 16,000 महल रानियों के, उन्हें देख करके सुदामा जी बड़े भयभीत हो रहे हैं कि कहाँ जाएं। ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनी हुई हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं, बहुत चमकीले घोंकरे हैं, दरवाजे मजबूत हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं। विचार करते हैं कि मैं आगे जाऊंगा तो कौन मुझे अंदर जाने देगा, मैं पहचान किसी से है नहीं, किसी से परिचय नहीं है। और भीत मन अति प्रीत जादम तहां एकंत उन्नीस रहे। अब वो एक जगह खड़े हो गए, देख रहे हैं बहुत से लोग जा रहे हैं अंदर, दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, वन वे रूट बना हुआ है। एक रास्ते से आना जाना होता है तो आपस में टकराव हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन एक तरफ से आना एक तरफ से जाना इस तरह लगा रहता, तांता लगा हुआ है। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या मैं भी इनके साथ में चला जाऊं। इम करत हर्षत दर्श पामत पेख के लज्जित भय। अब वहां थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं, अरे मेले कुचले फटे पुराने कपड़े हैं, मैं जाऊंगा तो कोई मुझे बाहर कहेगा यहाँ कैसे आ गए तुम, कब सब गंद कर दोगे यहाँ पर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारे श्याम सुंदर है वो तो कभी मुझे बाहर नहीं करेंगे, वो तो अपनाएंगे, प्रेम रखने वाले हैं ना, उनसे कोई बात छुपी नहीं है। ऐसे भी प्रेम से वहां पर आगे चले जा रहे हैं। अब वहां सुदामा जी को कोई एक ब्राह्मण मिल गया, उस ब्राह्मण ने उनको सुदामा जी को आगे बढ़ने का साथ दिया और सुदामा जी आगे मेल की तरफ बढ़ने लगे। बार बार जब कयो ब्राह्मण हो सुदामा त्यार, चावल की पोट लेके आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेके आया मोवन के द्वार। पहुंचे द्वारका जाय कन्हैयो काम बसे, पहुंचे द्वारका जाय कन्हैयो काम बसे, देख हाल बेहाल नगर का लोग हंसे, एक हाल बेहाल नगर का लोग हंसे। इतने में एक मिल्यो दयालु दीनो मेल बता, इतने में एक मिल्यो दयालु दीनो मेल बता, चावल की पोट लेने आया मोहन के द्वार, चावल की पोट लेके आया है मोवन के द्वार। बार बार यूं कयो ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, बार बार जब कयो ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, चावल की पोट लेके आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेके आया है मोवन के द्वार। द्वार पहाड़ जाके आदमी एक आयो, द्वार पहाड़ जाके आदमी एक आयो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, सुनते ही प्रभु नगे पेरे दौड़े कृष्ण मुरार, सुनते ही प्रभु नगे पेरे दौड़े कृष्ण मुरार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार।
दीनों गले लगाय सिंहासन बेटायो, दीनों गले लगाय सिंहासन बेटायो, देख हाल बेहाल जीवड़ो दुख पायो, देख हाल बेहाल जीवड़ो दुख पायो, असुवन जल से पेर धोरे रे जग के पालनहार, सुवन जल से पेर धोरे जग के पालनहार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, बार बार यूं केवे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, बार बार जब कहे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, करी खातरी खूब सुदामा शर्मायो, करी खातरी खूब सुदामा शर्मायो, चावल कीवा पोट खाक में छिपायो, चावल कीवा पोट खाक में छिपायो, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की लीनी गुजर पसा, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की लीनी गुजर पसा, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, मोटी खाय तीसरे खान लगे, दोय मोटी खाय तीसरे भरन लगे, रुकमण पकड़ियो हाथ नात क्या करन लगे, रुकमण पकड़ियो हाथ नात क्या करन लगे, तीन लोग तो इनको दीनों हो गए घर के बार, तीन लोग तो इनको दीनों हो गए बेघर बार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, बार बार जब केवे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, बार बार जब केवे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, रयो दोय दिन चार कन्हैयो विदा कियो, रयो दोय दिन चार कन्हैयो विदा कियो, मन में करे विचार प्रभु मन नाय दियो, मन में करे विचार प्रभु कुछ नाय दियो, लगे सोच मन में केवे घर की ना, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, बार बार यूं केवे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, बार बार जब केवे ब्राह्मण हुए सुदामा त्यार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, चावल की पोट लेने आया है मोवन के द्वार, आया है मोवन के द्वार, भगवान के सम्मुख होना है बस, ये कर्मों की पोटली लेकर के जाना है बस, और जब जाएंगे कर्मों की पोटली लेके तो कर्म कमाया रामदास है कर्मा में पूर,
रंच नाम जो संचरे कर्म करे सब दूर, वो कर्मों की पोटली खत्म कर देंगे। कर्मों के बदले में हम कुछ नहीं, उनके लिए केवल एक प्रेम प्रदान करने वाले हैं भाई। यही सुदामा जी का प्रसंग हमारे को समझा रहा है। भगवान जब वहां ब्राह्मण के साथ आगे बढ़े, द्वारपाल मिला, तो ब्राह्मण तो अपने काम में लौट गया। द्वारपाल ने कहा रुकिए महाराज बैठिए, उनको वहां पर बैठाया, अंदर सूचना देने के लिए गया, भगवान से निवेदन किया एक ब्राह्मण आया है आपका दर्शन चाहता है, उनका परिचय बताया, धोती पट्टी से लटी से दुपट्टी है, पट्टी धोती है दुपट्टी इसकी लटे ने वोट भी कर रही है महाराज ऐसी है, पैर में जूतों का कोई पता नहीं। एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और सुदामा अपना नाम बता रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान वहां से एकाएक दौड़ पड़े, बिना कुछ कहे जाकर के अपने मित्र से मिलने लगे हैं, उसको छाती से पकड़ करके लगाया, कंठ लगाया, हाथ का सहारा दे करके उसने अंदर लेकर के गए, अपने आसन पर उसको विराजमान किया, बैठाया, अब बड़े प्रेम भाव से उनका स्वागत करने लगे। सबसे पहले चरण धोया जाता है, तो चरण धोने के लिए हमेशा कभी जब भी जरूरत पड़ती है तो चरण धोने वाले धोते थे, भगवान किन के चरण धोवे, परंतु आज वैसा मौका आ गया कि भगवान को चरण धोने का मौका मिला, परंतु जारी मिले नहीं, परात मिले नहीं ठिकाने पर। रानी ने देखा क्या हुआ, वो दौड़ दौड़ के आई, क्या सिर, अरे जारी परात लाओ जल्दी, ब्राह्मण का मित्र का पैर धोना है। अब जारी जावे तो कहीं ना ताले में रखी थी, कहीं अलमारी में रखी थी, कोई चाबी कहीं रखा गई पता नहीं, कहीं के हाथ में आई नहीं, आने में हो गई देरी, भगवान की इतनी देरी कैसे हो रही है, क्या बात है। वे तो इस प्रकार अपने मित्र के पैरों को अपने दुपट्टे से ले ले करके साफ करने लगे। अब दुपट्टे से साफ कर रहे हैं तो दुपट्टा है रेशमी, पैरों में लगे हुए कांटे, उन कांटों में रेशम के धागे तोड़ तोड़ करके वो दुपट्टा खुद एकदम जर्जर हो गया, और कांटे इतने लगे हुए देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ, रे 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 हाय सखा तुम पाए महा दुख आये, इतने कितने दिन रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोये, पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, आंखों में ऐसे आंसू आए, उन आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को भगवान ने धो डाला, पानी परात का हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने मित्र के दुख के कारण से भगवान बड़े प्रेम से उनसे मिले हैं। अब बड़े मधुर वचन से दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, रानी सभी आकर के वहां इकट्ठी हो जाती है, उनको प्रणाम करती है, भगवान से पूछते महाराज ये कौन है, सुदामा के कौन, क्या तुम पता नहीं, मेरा मित्र है सुदामा, अरे ब्राह्मण पंडित जी इनको प्रणाम करना चाहिए, तुम केवल अकड़ धर के खड़ी हो गई, मेरा वंदन नहीं किया तुमने। सभी रानी बेचारी घबरा गई, कर आज तो बहुत एकदम पूरी डांट मिल रही है, सभी रानियों को हुक्म दिया रुक्मणी जी ने, सभी खड़ी होकर के इनको वंदन करो। अब लैंड लग गई रानियों की, अब लैंड कितनी है, 16,000 की लैंड, नोटों में जैसे लैंड लगती थी नहीं, ऐसे वो लैंड लग गई बैंकों की लैंड के समान। अब आगे तो है एटीएम खाता तो एक, सुदामा जी के एक चरण और रानी हजारों की संख्या में, अब उनको सामने खड़ा है, खड़ी को देख करके सुदामा जी ने कहा महाराज, अब रानी से पहले भगवान ने कहा चलो वंदन करो, पहले रुक्मणी जी का नंबर आया, अब रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, तो प्रणाम करे तो आशीर्वाद तो देना चाहिए, सौभाग्यवती पुत्रवती भाव, अब ये आशीर्वाद दिया, वो रुक्मणी जी एक तरफ हुई तो दूसरी रानी आ गई, सुदामा जी की इसको क्या कहूँ, ये कौन है, लुगे तो एक वे, इनको क्या पता कि इनकी पत्नी है सब, अरे ये भी आपके मित्र की दूसरी, अच्छा राजाओं के दो दो लुगाई होती है, चलो आज पता चला, उनको भी वही आशीर्वाद दिया सत्य बाबा को, सौभाग्यवती पुत्रवती भव, आशीर्वाद मिला। अब सत्य बाबा के बाद में जाम्बती का नंबर आया, उसके लिए फिर पूछा, हाँ तो पूछना छोड़ दो, इनकी रानी बहुत है, ऐसे पूछता छोड़ दिया, तो वो आशीर्वाद दे दे गए, सौभाग्यवती पुत्रवती पति प्रिया भाव, ऐसे एक रानियों को तो आशीर्वाद दे दिया,
परंतु बोलते बोलते भूखे तो थे बेचारे, ऑटो ने जवाब दे दिया, थक गए होठ, अब करें तो क्या करें, इतना लंबा बहुत आशीर्वाद है, इसलिए आशीर्वाद को छोटा करो, सौभाग्यवती भाव, बस पुत्रवती पति प्रिया छोड़ो, वो तो अपना हो जाएगा, सौभाग्यवती होगी तो सबका हो जाएगा। ऐसे केवल वो सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते देते उनका तो तांता पूरा हो ही नहीं रहा, रानियों की संख्या तो बाद में, आशीर्वाद देने के बाद में उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद देना चालू किया, आगे उसको आओ प्रणाम के आशीर्वाद करके, प्रणाम करके आगे बढ़ती गई, हाथ से आशीर्वाद देते देते बैरिंग है बिना ग्रीस के कैसे चलेंगे, हाथों ने जवाब दे दिया, थक गए हाथ, गर्दन से आशीर्वाद देना चालू किया, माथा झुका करके प्रणाम करे तो राम राम कोई कह शीश ना कर धार, जो कोई जेले नहीं तो गौ हत्या को बाहर, प्रणाम का आशीर्वाद प्रणाम का उत्तर नहीं देना बहुत दोष होता है। गर्दन भी देते देते गर्दन थक गई, कमर थक गई, अब वो सुदामा जी हार थक करके कहने लगे, मित्र एक बात पूछू, पहले पहले प्रणाम बाद में करो, क्या है कि तुम अनंत हो, जैसे तुम्हारी औरतें भी अनंत है कि इनका कोई अंत है, कितनी औरतें तुम्हारी अभी तक तो 2100 आई है, 16,100 सिर्फ वो भी हो, गिनती नहीं 16,000 की, अरे किसी के घर एक से दूसरी स्त्री हो जाती है तो भी घर को संभालना मुश्किल हो जाता है, तुम इतनी औरतों कैसे संभाल देते हो, ऐसे अब मैं तो तुम्हारी महिलाओं को पत्नी को आशीर्वाद नहीं दे सकता, अब पूरी तरह जवाब दे दिया, तब देखे भाई अब गाड़ी थक गई है, भगवान ने क्या किया, सब रानियों को कहा अटेंशन, सब रानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आप खुद रानियों के पास में जाकर के उनके सामने खड़े हो गए और सुदामा जी की तरफ मुंह करके कहने लगे, सभी रानियों की तरफ से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबका प्रणाम स्वीकार करो, एक में सबका प्रणाम कर दिया, सब प्रतिनिधि है, पति जो कहेगा वो स्वीकार है, तो भगवान जो ही खेल किया, भगवान ने सुदामा जी से निवेदन किया, सुदामा जी के सभी आपकी परम प्यारी हो, सभी भक्तिमती हो, सबका कल्याण हो, सब पुत्रवती हो, सबको भरपूर एक साथ में आशीर्वाद दे दिया। अब प्रणाम से निवृत्त हुए, अब सुदामा जी वहां पर बैठे हैं, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं क्या करें, वो लाए थे ना तो चावल की पोटी जो है ना खाक में छिपा करके रखे थे, खड्डा तो बहुत लंबा था, खाक में ना जगह पूरी थी, पाप में चावल का क्या पता चले, गांठी बांधा करके छिपा करके रखे बैठ रहे, अब इन रानियों के सामने यूं दूं भी तो कैसे, ये भी देऊं तो कैसे देऊं, मित्र को कुछ देना चाहिए लेकिन ये देना इनको भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पड़ी रहें दो काक में बैठे चुपरा बात करते रहे, परंतु भगवान तो खिलाड़ी ठहरे, उनसे कहा मित्र तुम मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे भाभी ने क्या भेजा तुम बताओ, अब और नहीं मगर जबरन छेड़ दिया, अब सुदामा जी का नहीं कुछ नहीं रहे मेरे पास, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं रहे, नहीं नहीं, अरे आदमी तो भूल कर देता है लेकिन औरतें भूल नहीं करती है, वो सब बातें याद रखती है, जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है, तुम ये अकड़ अकड़ कैसे बैठे हो, कुछ न कुछ छुपा रहे हो, मेरे से कोई चीज चोरी कर रहे हो, और मेरे भाभी की दीवी चीज चोरी करोगे तुम, बीच में लाओ मेरी चीज मुझे दो, ऐसे करके छीना चपटी करने लगे, जबरन अपना हाथ बढ़ाया काक में, उन्होंने जोर से दिया, कपड़ा फट गया और पूरे चावल नीचे की भी कर गए, अब वो चावल बिछर गए, हंसी आ गई दोनों को, और दोनों के साथ में जितनी रानी खड़ी थी उन सबको हंसी आ गई, जोरदार, ये चावल इनको छुपा करके रखा, ये कोई बढ़िया चीज थी, वाह भाई वाह, अब वो चावल से लेकर के भगवान ने तो बंदर जैसे मुट्ठी भरे ना, मुट्ठी भरकर दो मुट्ठी साथ में भर ली और मुंह में डाल करके चब चब चबाने कर दे, कड़कड़ कड़ करके एक मुट्ठी चावल चबाई, दो मुट्ठी चावल चबाई, तीसरी मुट्ठी चावल जो ही उन्होंने भरी है, रुक्मणी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो, दो मुट्ठी चावल देख खा करके तो आपने दो लोग सुदामा को दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी खा करके आप कहाँ रहोगे खुद, तीसरा लोग देने के बाद आपके रहने की जगह कौन सी, आपके पीछे जो परिवार है उसका पता है आपको, हम कितनी हमराणी है, उनका पालन कैसे रखोगे, क्या करोगे, आप ताए खाए मुठी तीजी बना तो कहा नहीं जवाब सके, आज बेचारी भगवान ने जवाब दिया, रानी गजब कर दिया, क्यों इसमें विश्वाम किया तेने, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, स्वाद आ रहा था, मेरे सारे हाथ में तेने गोबर डाल दिया,
ये आनंद और कहां बड़ा मुझे मिलेगा। और लोग कह रहे हैं कि भगवान का मित्र दुखी, ये मेरे माथे पर काला टीका लगा हुआ है। लोग कहते हैं भगवान का काला टीका है माथे पर, भगवान का मित्र दुखी, तो ये कलंक तो मैं सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता था, इसको 37 श्लोक दे करके तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सब आनंद में कचरा भी डाल दिया तुमने, सब गड़बड़ कर दिया। अब वो आनंद जो आता द्वारा आनंद आने वाला थोड़ा ही है, जो आता है उस समय आनंद आता है, मृत्यु जुड़ी रहती है तब। इस प्रकार चावलों का हिसाब निपटाया, चावल खा पी करके भगवान ने मित्र के साथ में बड़ा विनोद किया। तब मधुर मीठे बहन उचरत भेंट और सज्जन मिले, एक आपस में बड़े मित्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार वो दोनों मिले हैं। जब कहत प्रिय सब राज लोग, बड़े भाई आव्या भगवान ने, सब लोग जो खड़े थे अपने परिवार के, उन सबसे कहा भाई मेरे बड़े भाई साहब पधारे हैं, आप सब इनका आदर करो, समादर करना। दुज भयो लज्जित कहन का बन छीन के तंदुल ले, ते लोक संपत्ति ने मुठी करत रचना उर दे, ता परस परसत रहे दिन दुई भेंट का हो ना करे। 2 दिन तक सुदामा जी वहां पर रहे, 2 दिन तक रुके थे। ऐसा बाणी जी महाराज ने भी लिखा है, भजन भी बोलते, 2 दिन रुके थे। अब वहां बताते हैं कि सुदामा जी जिस समय वह प्रणाम हो गया रानियों का, तो बाद में स्नान करने के लिए भी बड़ी भारी विचित्र लीला की थी, और फिर भोजन भी बनाया तो सब रानियों ने भोजन भी उनको कराने के लिए निमंत्रण दिया, तो सब रानियों के यहाँ पर भोजन करने के लिए पधारो। तो एक जगह ऐसा भोजन के लिए डाइनिंग हॉल था, जिसके बीचों बीच में भोजन रखने के लिए जो भोजन का पाट लगा था, चारों तरफ थाल रखे थे, तो 16,000 राठियों के रानियों के थाल। सुदामा जी से कहा भोजन करो, ये इतने थालों की कोई गिनती नहीं, 16,000 कितनी जगह में रखे होंगे, शायद पूरे एक किलोमीटर में तो गए 7 थालों का मैदान, कहाँ तक मैं भोजन करूँ, इतना मैं करूँ। सुदामा जी घबरा गए, नहीं, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, आप कहो तो यहाँ से दौड़ लगा करके शाम तक 1-2 करके घूम के वापस आ जाऊंगा बस, लेकिन भोजन कर नहीं सकूंगा। तुम मैं वालों कैसे इतने राज्यों को राजी रख सकते हो, कैसे इनका भोजन स्वीकार करते हो, कैसे क्या करते हो। ला ला ला, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान हाथ पकड़ करके लेके गए, बीच में पाट के ऊपर बैठाया, बैठ तो गए सुदामा जी, और बैठ करके अपनी आंखें बंद कर ली, मैं क्या करूं। इतने में देखा तो पूरे सब थाल में से एक एक कण का प्रसाद एक थाली में आ गया, और वो भोजन बनने लायक भोजन तैयार हो गया। प्रेम से भोजन पाया भगवान ने, सुदामा जी ने दोनों ने साथ में बड़े प्रेम से आनंद में। अब वहां से उठ करके जाने की तैयारी करने लगे, जाने की तैयारी करने लगे तो उस समय में अब उनको वही पुराने कपड़े पहना दिए वहां पर, जो आते समय पहने थे ना वही फटे पुराने, नए कपड़े भी नहीं दिए उनको, जो है वो आपकी चीज आप ले जाओ। और विदाई के समय जब तिलक करने लगे भाग्य में, ललाट में तिलक करने लगे, तो भाग्य में सुदामा जी की भाग्य रेखा देखी भगवान ने, तो भाग्य रेखा में लिखा था श्री क्षय। श्री क्षय का मतलब लक्ष्मी का नाश, इनके यहाँ पर लक्ष्मी भाग्य में नहीं लिखी है, लक्ष्मी नहीं ठहरेगी, ये श्री क्षय का उल्लेख था। भगवान ने जो ही तिलक किया, तिलक करते देखा ये लक्ष्मी नहीं रहेगी भाग्य पड़ा, उन्होंने कहा ये कैसे आ गया मेरे पास, आ गया अभी ऐसे हो गया, अंगूठा उल्टा घुमा दिया। यक्षश्री श्री क्षय इसका हो गया, आखिरी अक्षर पहले आ गया, पहला अक्षर चला गया आखिर में, तो श्री क्षय, तो ये आखिरी था नहीं, तो ये पहले आ गया यक्ष और श्री। यक्षश्री मतलब कुबेर के समान धन संपत्ति रहेगी, अब कुबेर के समान धनवान रहेगी अब, और जो श्री क्षय था वो एकदम उल्टा हो गया था। आए थे श्री भाग्य पलट भगवान, आए श्री क्षय लेके भाग्य पलट भगवान, तो जो आए थे श्री क्षय लेकर के, लेकिन भगवान ने कृपा कर यक्षश्री दे दान, लौटाए अति प्रीत सु यक्षश्री दे दान, ऐसे सुदामा जी को भाग्य रेखा। लेकिन दी कैसे, बताया नहीं किसी को, ये भी उल्टा सुलटा किया, तो किसी ने कहा नहीं कि मैंने इतनी संपत्ति इनको दे दी है, और देवे फिर कहे क्या, इस हाथ को दीवी, इस हाथ से दीवी दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, सच्चा दान वो होता है। देवे
खूब देवे, ज्यादा देवे लेकिन बतावे नहीं, वो है ज्यादा फलीभूत होने वाला। और करे तो कम और बतावे ज्यादा, वो कोई काम का नहीं दान है। करे कम दिखावे ज्यादा, जो एडवर्टाइज ज्यादा का आजकल होता है हर एक चीज का, थोड़े से किया अखबार में निकालो, एडवर्टाइज निकालो और एड दो, वैसा ऐसा करो, पेम्पलेट लगाओ जगह जगह, इस प्रकार होर्डिंग लगाओ, ये करो, नहीं मालूम कितने होता, थोड़ी सी चीज का प्रचार ज्यादा। एक बात नहीं देना प्रचार उसका है कि देने पर भी कहीं नहीं जाए, किसी से पता नहीं चले किसी को, पर बड़ी चीज। ऐसे जब सुदामा जी को वहां से रवाना किया उन्हीं फटे पुराणों में कपड़ों में, सुदामा जी विचार करने लगे, अरे मेरे पास में तो बड़ी तंगी है और इनके पास संपत्ति तो बहुत ज्यादा है, परंतु थोड़ा दे दे तो क्या बिगड़ता, क्या कोई इनकी कमी पड़ती। लेकिन कंजूस ऐसे है, जो बचपन की आदत है वो आज मिटेगी थोड़ी। बचपन में जो हमेशा लोगों से लेना लेना जानते थे, लोगों लूट लूट करके खाते थे, अरे मक्खन भी खा लिया, दही भी खा लिया, दूध भी ले लिया, वो ले लिया, आदत तो वही पड़ी है, क्या करे। चलो नहीं दिए तो बड़ी क्या, मुझे तो भजन करने में कोई बाधा नहीं आएगी आराम से, अगर कुछ होगा तो उसका ख्याल रखना पड़ता, सुरक्षा करनी पड़ती, प्रबंध करना पड़ता, कहीं बैंक में रखो, कहीं लॉकर में रखो, कहीं तिजोरी में रखो, कहीं जमीन में गाड़ के रखो, नहीं मानो कितना पंपाड़ करना पड़ता। जब नहीं है कुछ भी तो कोई पंपाड़ नहीं करना पड़ेगा, केवल आराम से बैठे भगवान का नाम लेके भजन करेंगे। ऐसे मन विचार करके अपने संतोष का अनुभव करते हुए सुदामा जी वहां से वापस नगरी की तरफ चल पड़े। रच महल कंचनपुर नवीनक देव चरित्र देव खाविया, इम सोच कर तत्चरी मार्ग आप थानक आविया। भी सुदामा जी वहां से चलते चलते अपने नगरी में जाते समय भगवान ने कह दिया, अब की आओ तो भाभी जी को साथ में लेकर के आना, सुदामा जी के जरूर लाऊ सा, अब की घड़ो लाड कोट कर देव ने तो कहीं दियो को नहीं, एक तीन को ही उनके भाभी ने लेना हो, और भाभी आए गए नहीं दिया जो वो कैसे आएगी, देते तो लोभ के अनुभव भी आ जाती, इतना दिया तो अब की जाएंगे थोड़ा दो, अरे चुनरी उड़ाएंगे और नहीं उड़ाएंगे, कहाँ चली कुर्ती देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। चलो अब जाके रोज रोज जो दिमाग खाती है ना माता खाती है, वो तो गिरे मिट जाएगी क्या, अब वो तो परेशानी करेगी। चलो ऐसे विचार करते भगवान का नाम लेते लेते सुदामा जी वहां से अपने नगरी की तरफ चले आए। पर जब घर घर की जगह जहां घर था वहां पर पहुंचे, चौराहे को देखा वो तो ठीक, परंतु आगे देख करके हैरान रह गए, जहां अपनी झोपड़ी थी वहां पर तो एक बहुत चमाचम करता सुंदर महल बना हुआ है, बहुत बड़ा महल, झरोके जाली झरोके, बहुत ऊपर गुंबद बड़े हुए हैं, चारों तरफ लाइट लगी हुई है, प्रकाश प्रकाश हो रहा है। वो कह ये क्या हो गया, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कुटिया थी, पर्ण कुटिया थी अपनी, कौन से राजा ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उजाड़ दिया, उसने कब्जा कर लिया और कारिक लगा लगू करके महल तैयार कर लिया। अब अरे झोपड़ी ले ली मरन दो, लेकिन औरत कहाँ है, बच्चे कहाँ गए, कुटुंब परिवार कहाँ गए, अब उनके बिना कहाँ वो बेचारे दुखी होंगे, रो रहे होंगे, अब कौन, मैं कैसे कि उनसे वापस मिलूंगा, कहाँ ढूंढू उन्हें, कहाँ गए कहाँ नहीं है, क्या करेंगे। हे परमात्मा तू बड़ा खतरनाक काम करता है, अरे आया तो तेरे पास में लेकिन तेरे मेरा कुटुंब परिवार ही गायब कर दिया। वाह भाई वाह, हमने तो सुना है कि भगवान के पास जाने पर संकट दूर होते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे और नए संकट में भटक दिया, अब कैसे मेरा संकट दूर होगा। एक नीम का पेड़ देख करके, पेड़ के नीचे चौकी थी, चौकी के ऊपर जाकर के आ बैठ गए कि राम अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे परिवार का पता लगाऊं, ऐसे चिंता में बैठे थे और वहां सोच कर रहे थे क्या किया क्या नहीं करें। महल के झरोके में से उनकी पत्नी ने देखा पंडित जी आए हैं, नीम के नीचे बैठे हैं, अब अपने दास दासियों के उसने आदेश दिया कि आप पूजा आरती की तैयारी करो, और जल्दी से जल्दी एक दासी से कहा पंडित जी को आप महल में बुला करके ले आओ। अब वो दासी है तो नाम दासी का, परंतु है राज रानी के समान, गहने कपड़े पहनी सजी धजी हुई, बहुत एकदम ठाट बाट में। सुदामा जी उसको अपने तरह आते देख करके संकोच में पड़ गए,
ये कौन आ रही मेरे पास मुहूर्त, शायद कोई राजा की कोई रानी होगी या कोई उसके मुख्य परिचारिका है जो मुझे यहाँ से गेट आउट करने के लिए आ रही है। गेटो भागो यहाँ से जल्दी, हमारे उस मकान को गंदा कर रहे हो तुम, दूषित कर रहे हो, अपने गंदे कपड़ों से हमारा मकान यह मैला हो जाएगा, ऐसे भगाने के लिए आ रहे हैं। चलो वो आवे उससे पहले अपन को उठ करके चल देना चाहिए। चलो ऐसे में अपना खड़िया उठाने लगे, गमछा समेटने लगे, जो ही वे समेटने रहे इतने में दासी ने आकर के प्रणाम किया, पंडित जी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। हमारे महारानी जी ने आपको महल में बुलाया है, पधारो। अब सुदामा जी घबरा के, महल में क्यों बुलाया है, क्या सजा देगी वहां पर बुला करके वो रानी मुझे। अब पहले से मैं तो बहुत परेशान हूं, दुखी बहुत हूं, और दुखी को क्या दुखी करेगी वो। अब वो कह रहे में मुझे बुलाकर क्या करेगी, अगर उन्हें कोई कथा करानी है तो मैं पंडित नहीं, पूछा के कह दो, नार दिखानी है तो मैं वैद नहीं, और कोई जन्मपत्र दिखानी है तो मैं ज्योतिषी नहीं, अब मुझे किस लिए बुला करके वहां काम करेगी। ठीक, यदि मेरे यहां रहने से आप लोगों को तकलीफ हुई है तो मैं यहां से अब अपना डेरा डंडा उठा लेता हूं और जा रहा हूं, कोई बात नहीं। इस प्रकार वो उसने जब दासी से बातचीत की, काफी टाइम लग गई, तो पीछे से वो उनकी जो पत्नी थी वो भी तैयार होकर के पूजन के सामग्री के साथ सब रानियों के समान जो दासी है 16,000 दासी है उनके साथ में वो चला करके सामने आ गई। वो झुंड का झुंड औरतों का 16,000 का झुंड सामने आ रहा है। अब वो कीर्तन कर रही है, वो गाना गा रही है, आनंद उत्सव का बधावे का जो लाड कोड के गीत गाए जाते हैं वो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उनको खूब खुशी मनाई जा रही है। वो गीत गाते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुदामा जी के पास में आ रहे हैं। सुदामा जी देखे है क्या तमाशा, ये सब क्यों आ रहे मेरे पास में, अरे वाह ये नहीं गई तो वो सब अभी मुझे घेर करके पकड़ करके ले जाएंगे, तो अभी लेके जाएंगे। अब लेकिन आज ने मैंने किसका मुख देख लिया जिससे मेरी पर ऐसी आपत्ति आई। हे परमात्मा, हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। वे अपने मन में कुछ और ही सोचते हैं, परमात्मा का विधान कुछ और ही है। जो ही उनकी धर्मपत्नी पास में पहुंची और आके वंदन किया, पतिदेव के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। गले की आवाज से जब पहचाना करी, ये तो सुशीला है धर्मपत्नी, उसकी आवाज वो आ रही है, परंतु इतने गहरे कपड़े कहां से आ गए, ये ठाट बाट की सामग्री कहां से आ गई, कितने गहने धारण किए हुए हैं, किसने लाके इसको ऐसा दे दिया। उसने प्रणाम स्वीकार करते हुए सुदामा जी ने कहा, देवी कौन सुनकर के देवी कहने लगी, महाराज मैं आपकी ही दासी हूं, तो ये सामग्री कहां से आई, अब मैंने आपसे निवेदन किया नहीं। भगवान के सम्मुख होने से सभी प्रकार के हमारे अनिष्टों का सफाया हो जाता है, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी बाधाएं थी वो सारी बाधाएं आपके भगवान के सम्मुख होते ही हमारी दूर हो गई है। और जिस दिन आप यहां से गए हैं ना, उसी दिन रातों रात ही मेल तैयार हो गया, उसी दिन रातों रात ही मेल हुआ है। मतलब विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश दे दिया कि अब ब्राह्मण वहां से रवाना हो गया है, तुम पीछे चटपट तैयार करो, मेल तैयार कर दो। अब विश्वकर्मा ने वो मेल बना दिया, तो सारे तैयारी कर दी, और बाकी की घर की सामग्री जब वो सुदामा जी वहां पर पहुंचे तो रानियों ने जब वंदन किया तो प्रणाम करने के साथ अपने हृदय का भाव उनके चरणों में भेंट किया, तो अपने चरणों उनके चरणों में भेंट करते समय घर की जो कुछ सामग्री चाहिए, घर तो बना दिया भगवान ने, और घर की सामग्री का काम गृहिणी ने बना दिया, अर्थात जो अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, चाहे गौवें चाहिए, नौकर चाहिए, दासी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सारी चीजें सब ने उनको प्रणाम करने के साथ सुदामा जी को अर्पण की है। तो उस प्रकरण में किसी के पास में कोई चीज कमी नहीं, हजारों गोदाम भर दिए, नौकर चाकर दास दासियों की संख्या सब ने बराबर दी है,
इसलिए अतुल संपदा उन्होंने कृपा करके प्रदान कर दी है। तो ऐसे आज ये केवल भगवान के सम्मुख होने मात्र से अपने को इस प्रकार ये आनंद और सुख की प्राप्ति हुई है। आप वहां पर पधारे, ये सवाल है। सुदामा जी कहते धन्य देवी, धन्य हो देवी। ऐसे परमात्मा उनका वंदन करते वहीं पर आपने लीला धारी, तो कैसी लीला की, खेल खेल में आपने मेरे पास इतनी संपदा दे दी कि मैं कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कहीं इस संपत्ति में मैं भटक नहीं जाऊं और आपको भूल नहीं जाऊं, इसलिए आप कृपा करो इस संपत्ति की सेहत साल संभाल तो आप करते रहना, मुझे तो मेरा काम करने देना, मुझे तो केवल आपका नाम स्मरण होता रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। अब घर में गए हैं तो भी एकांत में बैठ करके भी सदामा जी सदैव भगवान का भजन करते रहे, भगवान का नाम स्मरण करते रहे, संपत्ति के रहते भी कुछ भी चंपक भागा भोरा है, चंपा के पेड़ों का जहाँ पर झुंड होता है ऐसे बगीचे में रहने पर भी फूल के पास में नहीं जाता, चंपा के फूल को नहीं छूता, वो सुगंधि बहुत आती है, बड़ा फूल है लेकिन उस चंपे का उस भौरे का इस प्रकार नियम है, उसको फूल को छूता नहीं, दूसरे फूलों को छुएगा लेकिन उसको नहीं। जैसे बंदर होते हैं ना, सीताफल को नहीं खाता, सीताफल और रामफल, क्योंकि इनमें दोनों का नाम सीता जी का राम जी का नाम है, इसलिए बंदर सीताफल को नहीं खाएगा, रामफल को नहीं खाएगा, दूसरे फल सब खा लेगा वो। इसी प्रकार वह भौरा है वो चंपा के फूल को छूता नहीं है, उससे बच करके रहता है, उसका नियम पकड़ रखा है, तो वे भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तो सुदामा जी अपने महल में रह करके भी अपने नियम में भगवत भजन में विशेष ध्यान देना, उसी में लगे रहना, चाहे संपत्ति पास में कितनी क्यों नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे संत महापुरुष होने की उनके पास में संपत्ति आती है तो आती को रोकते नहीं, लेकिन जाने का रास्ता खुला रखते हैं परमार्थ के लिए, वो सदा आती रहे जाती रहे आती रहे आती रहे, तो आती जाती रहेगी वो नदी के पानी के समान, वो उनका प्रवाह शुद्ध होता रहेगा, निर्मल बनता रहेगा। इसी प्रकार में बंधन में नहीं तो आप होते हैं, नहीं उसको बांध के रखते हैं, बांध के रखेंगे तो आपको बंधना पड़ेगा, जब उनको बांधेंगे नहीं तो आप भी बंधेंगे नहीं, आप भी मुक्त रह जाएंगे दोनों को दोनों। नहीं तो दीनानाथ दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, अब डोरी दोनों के हाथ में, उधर आपस में बंधे हुए हैं, डोरी अगले हाथ में है चाहे मेरे हाथ में है, तो आपस में दोनों बंधे हुए जुड़े हुए हैं, आपस में बंधन है ही। तो परमात्मा के साथ में इस प्रकार का वो संबंध नाम के माध्यम से संत महात्मा किया करते हैं। द्विज कैद पिए कांकुटी मेरी भूपति दशमस करे, हे भयो दिन कर कवन मेरो कृष्ण बिन इमकुण करे। भगवान कृष्ण की कृपा से सुदामा जी को इस प्रकार ये जो ये संबंध बता रहे हैं कि महापुरुषों की कृपा से संतजनों के सानिध्य से जब प्राणी संसार में अपने कर्तव्य में लगा रहता है तो उनकी कृपा से परमात्मा उनके सभी मनोरथ स्वाभाविक पूर्ण कर दिया करते हैं। नित नमो जय जय अनंत वंदन सुख वंदन कंदन माधवा, मन पूर्ण इच्छा करण अकरण गाय जुग जुग साधवा। मन की जो सद्भावना है उसे परमात्मा कृपा करके अवश्य पूरी कराया करते हैं। एक जस्सू नाम के महात्मा जी रहे भक्त हुए हैं, जस्सू स्वामी दास रंजन सेवी ही, वे संतों की सेवा में ही अपना ज्यादा समय लगाते थे। एक बार उनके बैलों की जोड़ी को कोई चोर आए और चोर लेकर के चले गए, वे संतों की सेवा के लिए खेती में अपने बैलों का उपयोग किया करते थे। अब बैलों के जोड़ी चली गई, चोर ले गए, तो चोरों ने विचार किया कि अब तो अपने लोग ऐसे छुपा करके अपने उस जोड़ी को रख दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। अब वे तो बैलों की जोड़ी लेके गए और इधर खेती में बैलों के बिना अब खेती कैसे करें, जो ही वहां दे करके हल तो खड़ा है लेकिन बैल नहीं। वे खेत में जो ही पहुंचे बैल नहीं देखे तो भगवान ने कृपा करके उनके पीछे पीछे वही जोड़ी अदा करके खड़ी कर दी, वैसी की वैसी बिल्कुल सेम टू सेम, उसी के समान जोड़ी थी बैलों की, वो ला करके उनके सामने खड़ी कर दी। अरे बैल इधर आ गए, चलो खेत में जोत दिया, कितने काम करने लग गए। उन नाई गत किन लहे लहन अवगत संबद वर्तता भय, 12 महीने तक यही खेल रहा। अर्थात चोर जिस जोड़ी को लेकर के गए थे वो तो चोरों के घर और या खेती में जस्सू स्वामी के पास में नई बैलों की जोड़ी,
या खेती में काम करा रही है, ये भगवान की बनाई हुई दी हुई जोड़ी है, इनके पास वो काम कर रही है। एक दिन उन चोरों ने विचार किया, अरे हम उसकी जोड़ी लेकर के आए, उसने कोई पता ही नहीं लगाया, जसूदे अपने जोड़ी जाती है तो खोजबीन तो करते हैं, लेकिन मेरे बैल कहाँ गए, पता लगाना चाहिए, लगाया नहीं, चलो देखे तो सही जाकर के क्या हो रहा है। चुप करके वे लोग गए एक दिन उस खेती में, करते हुए खेती को जस्सु को देख करके देखा तो वो बैलों की जोड़ी वहां पर काम कर रही है। अरे हमारे यहां बंदी भी जैसे बैलों की जोड़ी है तो यहाँ ये कैसे लेके आ गया, अभी तो हम देख के आए अपनी घर से अपनी बैलों की जोड़ी और वो की वो जोड़ी यहाँ खड़ी है। वास्तव में हमारी आंखें खराब है या कोई हमारी नजर खराब हो गई या माता खराब हो गया, वापस जाके देखते हैं। वापस जाकर के अपने घर में देखा, जहां पर चोरों ने बैलों की जोड़ी को बांध रखा तो वो वहां के वहां खड़े हैं। लो अब वो जोड़ी सही है कि ये जोड़ी सही है, कौन सी बैलों की जोड़ी सही है, ऐसे मैंने विचार कर लिया। तब जोर उनकर देख वैसा सदन जैसा तल ले, ग्रह चरण साहक शरण आहक नमोगत परमेशकम, दिन तमे अवगत क्षमा कर्म भयो जस सर्वेशकम, दीन बंधु अकर्ण कर्ण सायक सदा जुसंत, कालो वर्णो कहलो जस वर्णन करो नमस्कार भगवंत। दोबारा वे वापस जाते हैं जसु जी के पास में और वहां जाकर के देखते हैं तो वो बैलों की जोड़ी वैसी की वैसी वहां पर खड़ी है जो कि तुम्हें काम कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा भाई है तो कोई चमत्कारी महात्मा है, तो हम लोगों ने ये जो बैलों की जोड़ी चुराई है ये बहुत अपराध किया, बहुत गलती की, ये इनसे चल करके क्षमा याचना करनी चाहिए और जाकर महाराज अपने घर से बैलों की जोड़ी लेकर के आए, खेत में गए और वहां गए जो ही जस्सु जी को वो उनकी जोड़ी उन्हें समझाई, जो उनके पास में बैल जोड़ी आई और नई वाली जोड़ी गायब हो गई, जो नई जोड़ी उनके पास में थी वो गायब हो गई और चोर लेकर के आए वो जोड़ी उनके पास पहुंची और वे आराम से वापस खेत में काम करने लगे। तो चोरों ने कहा महाराज हम लोग महान अपराधी है, हम लोगों ने आपके साथ में ऐसी दुष्टता की, परंतु आज आपकी कृपा से हमारा जीवन अब नए जीवन में बदलना आना चाहता है, अर्थात हम चोरी का धंधा छोड़ करके सच्चाई का रास्ता पकड़ना चाहते हैं, संत सेवा का मार्ग अपनाना चाहते हैं। उनका भाई सच्चे जीवन में है वो सदा साथ में रहेगी तो जीवन का कल्याण होगा, इसलिए बुराई को छोड़ो और अच्छाई को अपने जीवन में उतारो। प्रणाम किया उनके चरणों को, चरण पकड़ कर क्षमा याचना की, आप साक्षात भगवत स्वरूप हो, हमारे अपराध को आप क्षमा करना होगा, भगवान साहब का अपराध क्षमा करने वाले, मेरे लिए तो कोई कमी पड़ी नहीं, अरे मेरा खुद का कोई काम था नहीं, मुझे तो केवल संतों की सेवा का काम करना है वो करता रहा हूं, और उसमें भगवान ने कृपा करके बैलों की जोड़ी दे दी तो वो काम आ गई, अब वापस आप लेके आ गए तो ये काम आती रहेगी। आप भी सदा अपने जीवन में सच्चाई को रखते हुए भगवत भक्ति का आश्रय रखें और दुर्विचारों को अपने जीवन से निकाल दें। उस दिन के बाद में चोरों ने अपना जीवन बदल दिया, चोरी धंधा करना छोड़ दिया और अपना सच्चाई से अपने जीवन में रहते हुए परोपकार का काम करने में लग गया। कहां तक ऐसे परमात्मा के आनंद की विषय, उनकी भक्ति भावना के विषय की बात का वर्णन किया जाए। शूद्र वर्ण एक जात लुगाई, गुरु प्रसाद जना जस गाई, कर्मा हरि सेवा चित लाई, भगवत जी में आप जिमाई, पुनि आचार विचार न जाने, प्रेम प्रीति हरि भाव बिछाने, एक दिन आये भगत दवारे, निगम यथार्थ विधि विस्तारे, यूं परसण नाही भगवाना, बाई कैद राजगुरु ज्ञाना, प्रथम स्नान वसंदे कोहरा, नाय ध्वाय जुगल कर जोरा, तुलसी माल चंदन चर चंता, उर्द पाय परसन भगवंता, इम दिन करत गयो वर्ती थी, सार सार सेवक बड़ भीती, छिनक छिनक उपजत उर भीती, आज रहे भूखे हमसे रीति, ये ते माए दर्श दिखावन, वै किशोर घर भगत भगत बदावन, हरिजन बनो बधारण साई, जुग जुग में चूका कवनाई, ब्रह्म नकार सकार सदावन, भगत हेत भगता मन भावन। कर्म भाई की गाथा का वर्णन कर रहे हमारा दिख रहे हैं। शूद्र वर्ण में एक
और तो ये है कर्मवय नाम की। गुरु महाराज की कृपा से जिनका जस संसार में भक्तों की श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध है, भगवान को भोग लगा करके उनकी सेवा चाकरी करने के बाद ही स्वयं भी भोजन किया करती थी, ऐसा उसका नियम था। कोई आचार विचार उसके नहीं था, अर्थात आचार विचार मतलब नाना धोना, पवित्रता रखना और बिना धोए छुए भगवान को छूना नहीं, करना नहीं, ये झूठा सोचा है, इस प्रकार का उनके पास में कोई विचार था ही नहीं। वो तो प्रेम रीति से अपने सहज भाव से जैसा होता वो घर में काम करती रहती थी। एक दिन की बात, वो कर्माबाई भगवान को इस प्रकार जैसे तैसे एक आंडी में खींच बनाया, बना करके भोग थाली में दे करके भोग लगा दिया, सामने रख दिया, और वही आंडी बराबर धोए नहीं धोए, अगले दिन फिर उसने खींच बनाने के लिए ऊपर चढ़ा दी। नहीं तो आप खुद भी स्नान भी कर नहीं सके, ठंड का मौसम है तो बेचारी के बूढ़ी डोकरी में कैसे स्नान करूं, तो स्नान करती नहीं, बिना स्नान करते सुबह जल्दी उठ करके चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी, खींच बढ़ा दिया। बस खींच बढ़ना बढ़िया चाहिए, बस उसमें दाने नहीं रहने चाहिए, सीझना चाहिए, अच्छा चाहिए, घुट जाना चाहिए, ऐसा भाव उसके पक्का पचा हुआ भोजन भगवान करेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, ऐसे भाव से बढ़िया खींच तैयार कर दी। पंडित जी एक दिन आए, उन्होंने कर्मा को इस प्रकार सामान्य तरीके से भगवान के भोग लगाते देखा तो उन्होंने कह दिया, अरे कर्मा तुम ऐसे कैसे करती हो, भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं क्या, ऐसा भोग लगाने से भगवान राजी नहीं होंगे, तो क्या करना चाहिए पंडित जी महाराज बताओ। पहले तो देखो हमेशा स्नान करो, नया धुलावा वस्त्र लेकर के पहनो, बाद में पवित्र होकर के मंदिर में ठाकुर जी को भी अच्छी तरह स्नान कराओ, उनको भी धुलाओ, और फिर उनको भी नई पोशाक धारण कराओ, फिर हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करो और उनसे विंदिन के बंधन करो, और भोग लगाते समय तुलसी पत्र साथ में रहना जरूरी है, तुलसी माला चढ़ाओ, चंदन से उनका पूजन करो, उसके बाद में है भोजन भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के बाद में भगवान तो प्रार्थना करनी चाहिए तो भगवान राजी होते हैं। कर्मा भाई को जैसे बताया, बेचारी लोग कभी किया काम था नहीं, ये नया नया उपाय जैसा कहा जैसा करने में देरी लग गई, और भगवान को तो हमेशा ही जल्दी भोजन करने की कलेवा करने की आदत पड़ गई, जगदीश भगवान कलेवा करने की आदत पड़ गई। अब बाद में दूसरा भोजन सब बाद में, लेकिन सबसे पहले कलेवा, तो प्रभात काल के पहले ही सबसे और तो पहले कलेवे की तैयारी। अब खींच तो कर्मा भाई बढ़ा देती, तो वहां से जो पहले वो खींचड़ लो खादे बोलते नहीं, कर्मा काले खींचड़ थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की जिम मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा शाम धनी जी माँ बेटी जाट की जीमो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की बाबो मारो बाम गयो है ना जाने कद आवे लो बाबो मारो काम गयो है ना जाने कद आवे लो उनके भरोसे बैठ रहो तो भूखा ही मर जावे लो उनके भरोसे बैठ रहो तो भूखा ही मर जावे लो आज जी मामू तन रखी चिड़ो आज जी माम तन रखी चिड़ो काल रा बड़ी चाच की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की थाली
थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बात जी मो मारा शाम धनी जी मार छोरी जाट की जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की बार मंदिर ने जड़ती बार बार पट खोलती बार बार मंदिर ने जड़ती बार बार पट खोलती कईया कोनी जी मोसा कड़वी कड़वी बोलती कईया कोनी जी मो मोवन कड़वी कड़वी बोलती जी मो जद में जिमूला ते जी मो में जिमूला मानो कोनी आटगी थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट के थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट के जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट के जी मो मारा शाम धनी जी मावे छोरी जाट की जी मावे कर्मा जाट की पढ़ दो करनी भूल गई ये पढ़ दो फेर लगायो है पढ़ दो करनी भूल गई ये पढ़ दो फेर लगायो है था बलिया रे ओट बेट ने शाम की चिड़ो खायो है था बलिया रे ओट बेट ने शाम की चिड़ो खायो भोला सा भगता के ऊपर भोला सा भगता के ऊपर कोनी चाले आटगी थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट के थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट के जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट के जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट के हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेला सुवन लाल शरणागत तेरे हरक हरक गुण गावेना सुवन लाल शरणागत तेरे हरक हरक गुण गावे साचो प्रेम प्रभु से यो वे साचो प्रेम प्रभु से यो मूरत बोले बाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेट जाट की मारा शाम धनी जी मावे चोरी जाट की थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट के थाली भरने लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मो मारा शाम
मदन जी मावे बेटी जात की, करमा बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। इस प्रकार भगवान को करमा भाई ने खींच खिलाया और भगवान ने भी प्रेम से खींच खाया और इतना प्यारा लगा कि हमेशा भगवान ने कह दिया कि जल्दी से जल्दी मुझे करया करो, मुझे बहुत जल्दी भूख जाती है। खिलाने वाले की ज्यादा इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है तो भगवान को अपना भूख लग जाती है। जितना खिलाने की इच्छा होती है इतनी भगवान को भूख लग जाती है। ज्यादा खिलाना चाहते तो ज्यादा भूख लग जाएगी और नहीं खिलाना चाहो तो भूख लगती नहीं बिल्कुल ही। ऐसे उनको ज्यादा भूख लग रही प्रतिदिन टाइम से वो तो खींच बना करके जल्दी से जल्दी खिला दिया करो, वो खिला खाने लग गई। पर इधर पंडित जी ने आकर के कह दिया कि ये तो ऐसे करना भगवान राजी नहीं होते हैं, भ्रम पटक दिया। अब भ्रम पटक दिया तो भ्रम आन भजको नहीं, ये अलग अलग प्रकार की बातों से हमारे भ्रम पैदा हो जाता है, इससे एकदम हृदय में संदेह पैदा हो जाता है। वो हो गया उसके बेचारे, अरे रे भगवान तो नाराज रहते हैं इससे, मेरे इस भोग लगाने से भगवान राजी नहीं होते हैं, तो जैसा पंडित जी ने कहा वैसे करेंगे। अब बेचारे वैसा काम करते करते उसको हो गई देरी, भगवान को भूख टाइम से लगी, आए अरे कर्मा महाराज आज तो तैयार हुआ नहीं खींच, अरे मुझे तो भूख लगी है जल्दी करना, कर्मा कर्मा माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, ये नाम पटक दे कर्मा, जल्दी कर उनको रोटी, मुझे भूख लगी जल्दी कर। बेचारे ज्यों त्यों कर खींच बना बड़ो करके मन में ये धड़कन हो रही है कि आज भगवान मेरे करने से कमी के कारण से भूखे रह गए, क्या करूं, दिल करने में देरी हो गई। ऐसे मन में बड़ा भारी एकदम उसका संकोच हो रहा है, भगवान तो बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कब खींच बनावे, अब बन भी जावे तो ठंडा होने में टाइम लगे, ठंडा हो गया तब खा सके, वैसे खाना हाथ में नहीं, अब वो ठंडा होने का इंतजाम करे तो भगवान भी बैठे रहे। इधर जगन्नाथ जी के ठाकुर जी के टकोरा बजने लगा प्रभात काल में, उत्थान काल का टकोरा बजने लगा, ठाकुर जी शिष्य में उठने लगा, उठने का समय हुआ, इधर भगवान खींच खा रहे हैं उतावले में दोनों हाथ से, दबा दब जल्दी जल्दी खा लो, वहां बुला लेंगे, अभी जाना पड़ेगा, वहां भी जाना पड़ेगा, वो जल्दी उठा लो, ऐसे दोनों हाथ से खाने लगे। परंतु जो उधर पट खुलने लगा, भगवान तो ऐसे खींच खाया नहीं खाया, बेचारे उड़े दौड़ते दौड़ते पहुंचे वहां पर, मंदिर में हाजिर हो गए। परंतु मस्जिद में हाजिर हुए तब तक हाथ मुंह धोना भी भूल गए, हो तो मुंह भरावा खींच से, हाथ लिपटे हुए खींच में। अब ठाकुर जी का मंदिर पट खोल करके लोगों ने देखा, हे जी आज ये क्या है, मुंह में खींच लगा हुआ, कहाँ से आपने ये भोग लगाया है आज, हम लोगों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, आप कहाँ खींच खा कर पी करके आए हो, आपने अगर खींच खाया भी है तो हाथ भी धोया नहीं, चलो नहीं किया, मुंह भी धोया नहीं, क्या बात है। भगवान को आखिर में पंडित जी से कहना पड़ा, देखो ये सब तुम्हारे ब्राह्मणों की बेईमानी से मैं भूखा बोल रहा हूँ आज, तुम लोगों ने बदमाश, मेरी एक भक्ता जो थी वो बेचारी हमेशा खींच बनाती, मैं प्रेम से उसका खींच खाता रहा, लेकिन एक पंडित ने जाकर के उसको भरमा दिया कि भगवान ऐसे राजी नहीं होते हैं, उनको ऐसे किया करो, ऐसे नहाया करो, ऐसे बर्तन साफ किया करो, ऐसे भरोसे बनाया करो। वो बेचारी बुढ़िया बनाते बनाते जल्दी फुर्ती बहुत की, परंतु फिर भी देरी हो ही जाती है तो उसके देरी के कारण से मैं वहां पर परेशान हूँ, मैं हमेशा उसके यहाँ पर खींच खाता हूँ, लेकिन आज खींच खाने में मुझे देरी पड़ गई क्योंकि उसने देरी से बनाई केवल पंडित जी कहने के कारण से, इसलिए उनको जाकर के कह दो वो जैसे रोज बनाती थी वैसे खींच बनाओ, जैसे रोज करती थी वैसे करना, कोई दूसरे आचार विचार चतुराई करने की जरूरत नहीं, मैं तो केवल एक उसके हृदय का प्रेम भाव देख करके उसे पसंद करता हूँ। पंडित जी को डांट करके भगवान ने इस प्रकार वापस प्रेरणा दी, जो पंडित जी कह करके आए थे उनको उन्हीं को वापस भेजा और जाकर पंडित जी ने कर्मा भाई को प्रणाम करके कहा, देवी जी अब आपको जैसे हमेशा बनाते वैसे खींच बढ़ाई करो, बस भगवान को वही पसंद है, मैंने बताया वैसा कुछ भी आपको नहीं करना है, बस जो कुछ है। अरे जी ने बनो बधारण साई, जुग जुग में चूका कौन नहीं, ब्रह्म नकार सकार सधावन।
निराकार परमात्मा है, परंतु वो परमात्मा ही साकार रूप में हो ही जाते हैं, बदल जाते हैं। प्रेम के कारण से अर्जुन भक्तों के हृदय के भाव को देख करके भगवान अपना निराकार स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं गुण में कैसे जाऊं। लेकिन वे निर्गुण भी सगुण में आ ही जाते हैं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के। इच्छा सदा तुम्हारी भाई, नित प्रति करो वही विद जाई। तो पंडित जी ने कह दिया, भाई जैसे आप हमेशा करते थे वैसे ही आप अपना काम किया करो, भगवान उसी में राजी है। कुल आचार विचार बुआई, छोतक पातक खून रह जाए भगवान का। मैं किसी छुआछूत के कारण से मैं राजी नहीं होता हूँ। अस्पृश्य ऐसा कोई रखे, वैसा भिन्नभाव रखे, तो मुझे उससे प्रसन्नता नहीं है। वो तो जिसके हृदय में जैसा भाव है उस भाव के कारण से प्रसन्न रह करता हूँ। इंद्र भोग ब्रह्मादिक जेता, गुरुविन भगत पिंडाण समेता। इंद्र को भोग लगने लायक कोई सामग्री हो, ब्रह्मा जी को भोग लगने लायक कोई सामग्री हो, परंतु यदि गुरु महाराज के भोग लगने लायक सामग्री नहीं होती है तो उसके बिना वो उत्तम से उत्तम सामग्री भी मेरे लिए पिंडाण है। पिंडाण जैसे पिंड देते हैं ना, पिंड मरने वाले के आगे जो पिंड देकर के चलते हैं आटे का, बस मेरे लिए तो वैसा है। वो जो गुरुजनों के महापुरुषों के भोग लगती है वो चीज मेरे लिए बड़ी उत्तम चीज है, मैं उसे पसंद करता हूँ। हूँ रीजू एक प्रीतवियारी, भोग लगे सब खींचेदारी। मैं केवल ऐसे उस प्रेम से राजी हुआ करता हूँ। इसके बाद ये नियम बना दिया गया कि हमेशा ही कर्मवाही के खींच का भोग जगदीशपुरी में भगवान के लगना चाहिए। बाकी का जितना भी भोग लगे सब बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले कर्मवाही की खिचड़ी अभी भी यही परंपरा वहां से चल रही है। अब मूर्त बोले काट की, तो वहां ठाकुर जी है जगदीशपुरी में, लकड़ी की मूर्ति है वो भगवान, लेकिन प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए भाव को देख करके वे। इस प्रकार वो लकड़ी भी बोलने लग जाती है, अरे भाई भगवान तो जहाँ अतिशय प्रेम होता है तो वहां पर लकड़ी की मूर्ति क्या, पत्थर की मूर्ति भी निभ जाती है। ऐसा दक्षिण में ऐसा प्रश्न आता है, दक्षिण में एक वेश्या, सात वेश्यों का उद्धार हुआ जिसमें एक दक्षिण की वेश्या का नाम आता है। तो एक दिन कोई संत महात्मा सत्संग कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे, सत्संग चल रहा था। तो वहां की एक प्रसिद्ध वेश्या थी, उस प्रसिद्ध वेश्या ने भी सत्संग की बात सुनी और उसमें अपने जीवन के व्यवहार के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम मनुष्य जीवन में आई हो तो क्या केवल संसार के भोगों के लिए, भोगों से तुम अपना जीवन निर्वाह करके क्या कल्याण कर लोगी। मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं, और भोग तो कहीं भी जाओगे तो यहाँ मनुष्य जीवन से भी ज्यादा मिलेंगे। अरे हम चाहते हैं हमारे यहाँ बाल बच्चे हो जाए, एक दो बाल बच्चा हो जाए तो भी खुशी मनाते हैं, पर सूर्य के यहाँ पर कितने कितने बच्चे एक साथ भी पैदा होते हैं, क्या बताओ वो हमारे से ज्यादा बड़े हैं। तो कुटुंब परिवार के लिए देखा जाए तो उनके ज्यादा है, सब कुछ वैभव ज्यादा है ऐसा है, परंतु कल्याण के लिए तो अपने को इन संसार के रुपये पैसे के बंधन में नहीं रह करके प्रभु के चरणों में अपना अनुराग रखना चाहिए। वैराग्य से स्थिति पैदा हो गई, उसने सत्संग करने वाले महात्मा जी से पूछा, भगवान मेरा अपना कर्म तो ये है, अब मुझे अपने कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन दीजिए। आपकी कृपा से मैं अपने जीवन को अब ठीक सुधारना चाहती हूँ, मुझे संसार में अब तक किए हुए अपने कर्मों के ऊपर बहुत पश्चाताप है, लेकिन मैंने कर लिया, होगा रोग बात हुआ, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए वो आप कृपा करके बताओ। संतों ने कह दिया, जिस दिन सावधानी हो जाए, जिस दिन बात समझ में आ जाए, उस दिन ही हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस उनसे अपना अखंड अटूट संबंध जोड़ लो, वो कभी भी संबंध टूटे नहीं ऐसा संबंध जोड़ लो। और जो अपने पास में संपत्ति है वो परोपकार में लगा दो, सेवा में लगा दो। अब वो वेस्टर्न संतों से कहा, भाई संत हम लोग तो अपवित्र भोजन कर नहीं सकते, अगर हम अपवित्र भोजन करेंगे तो नुकसान ये है कि हमारे अंतःकरण में भी मलिनता छा जाएगी, और हमें जो सच्ची बात बतानी चाहिए, आत्मकल्याण की बात बतानी चाहिए, उसमें स्वार्थ की बात करने चल दे कर देंगे, तो इसलिए वो हमारे अंतःकरण में
दोष पैदा हो जाएगा, इसलिए हमें तो वो ले नहीं सकते। तो क्या उपाय करे महाराज? तुम ऐसा करो, ये जो संपत्ति है ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। परमात्मा है वो सबको पवित्र करने वाले हैं। अपवित्र है पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मृत पंडरी का शुभ या अभ्यंतर सूचि, जो कैसे भी है वो अंतःकरण से बाहर से पवित्रता प्रदान कर देते हैं। जो नाम स्मरण करने से पवित्र आ जाती है तो उनको समर्पित करने में, जैसे अग्नि में जलाने के बाद में अग्नि में कोई भी चीज हो, चंदन हो तो भी जलेगा, कस्तूरी केसर हो तो भी जलेगा, और लकड़ी होगी तो वो भी जलेगा, और गोबर भी जलेगा। इसलिए अग्नि में किसी प्रकार कोई अशुद्धि नहीं आती है, तो भगवान को ही अपनी चीज समर्पित कर दो। अच्छी बात है, भाव जच गया। और अब पास में लाखों की संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में लगाने का निश्चय कर लिया। ठाकुर जी की सेवा के लिए उसने एक बहुत हीरों का जटित मुकुट तैयार करवाया। श्रीरंग जी की बात है, श्रीरंगम जो दक्षिण में ना, मुकुट तैयार करवाया, बहुत कीमती, पूरी संपत्ति लगानी थी। या तो नहीं कि भाई पैसे कम लगे, सब ज्यादा से ज्यादा संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में लगे। अब वो मुकुट तैयार करवाया, मुकुट तैयार हो गया। अब होने के बाद मन बड़ी खुशी है कि अब मैं ये मुकुट ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत करूंगी, मेरी सेवा ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगी। ऐसे हृदय में बड़ी खुशी छा रही थी, प्रसन्नता के वशीभूत होकर के उसने थाल में मुकुट रखा और चाट से ढक दिया, और वो थाल लेकर के वहां से अपने भगवान का चिंतन करती करती मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर की तरफ गई है, उधर पुजारी जी मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। अब सेवा पूजा करने के बाद ठाकुर जी को श्रृंगार में वे मुकुट धारण कर रहे हैं, जो रमेश्वर धारण कराते ना वही मुकुट ठाकुर जी को धारण करवा रहे हैं। परंतु हो तो क्या रहा है कि जो ही मस्तक पर मुकुट रखे वो टेढ़ा हो जाए, नीचे गिर जाए, फिर दोबारा रखे तो कभी इधर गिर जाए, कभी आगे गिर जाए, कभी पीछे गिर जाए, मुकुट आज माथे पर ठहर ही नहीं रहा ठाकुर जी। पंडित जी बार बार हैरान है, क्या हो गया? रोज ही मुकुट धारण कराते हैं, ठाकुर जी धारण कर रहे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी क्यों नहीं धारण कर रहे, बात क्या है? बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब वो बाहर खड़ी वैश्या वो मुकुट धारण करने के लिए, वो प्रेम भाव से अर्पण करने के लिए आई है, परंतु जो ही उसने दरवाजे में अपना पैर रखा कि कोई संयोग ऐसा बना कि वो मासिक धर्म में आ गई। अब जो ही मासिक धर्म में आई तो वो ठिठक के खड़ी हो गई, अब मैं क्या करूं? अरे आज ठाकुर जी मेरे पर नाराज है, जो मेरी चीज दुनिया नहीं स्वीकार करे लेकिन भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे, और भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन किस काम का? गजब हो गया। वहां खड़ी खड़ी बेचारी रोने लगी, आंसू की धारा टपकने लगी, गजब हो गया। हे नाथ दुनिया ठुकरा है, लेकिन आप भी ठुकराओगे तो मैं किसके पास हो जाकर के अपना दुखड़ा निवेदन करूंगी, कौन मेरा सहारा है? अब वो बेचारी वहां पर खड़ी खड़ी रो रही है, पैर चिपक गए जमीन के, इस प्रकार दुखी हो रही है। इधर ठाकुर जी मुकुट धारण कर नहीं रहे, भगवान ने पंडित जी से कहा, पुजारी जी आज मुकुट ये नहीं पहनूंगा, आज मुकुट मेरा दूसरा बार दरवाजे पर है वो पहनूंगा मैं। देखा कौन मुकुट बारे? बाहर आए पंडित जी, पुजारी जी बाहर आकर के देखा तो वो महिला खड़ी थी, मुकुट लिए रो रही थी, आंसू टपक रहे थे। उसकी दयनीय दशा देख करके पुजारी जी ने कहा, क्या देवी जी क्या बात है, मैं मुकुट लेके आई थी ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए, परंतु ठाकुर जी ने इस समय मेरी ये स्थिति पैदा कर दी कि मैं अंदर जाने लायक नहीं रही, तो मैं क्या करूं? लाओ आप मुकुट दो, मैं धारण करा देता हूं ठाकुर जी को, आपका लाया है वो उनको पहना देता हूं। और फिर वो उन्होंने मुकुट लिया उसके हाथ से, लेकर के अंदर चले गए। वहां धारण कराने लगे तो वो की वो स्थिति, मुकुट धारण करावे तो मुकुट वापस सिर पर ठहर नहीं रहा है, वो भी आगे पीछे हो रहा है। विचार करने लगे पंडित जी, आज क्या तमाशा हो गया, ठाकुर जी मुकुट बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, पहनेंगे नहीं, उगड़े माते रहेंगे। भगवान ने आदेश दिया पुजारी से, पुजारी जी ये मुकुट मैं आपके हाथ से नहीं पहनूंगा, मुझे उसी महिला को बुलाओ, वो मुझे पहनाएगी तो मुकुट पहनूंगा मैं तो आज। आकाशवाणी से संदेश दिया। अब वो पुजारी जी ने जब आदेश सुना तो वे चलो एकदम शरीर में झंझट पैदा हो गया,
बाहर गए और उस भाई को हाथ जोड़ के कहने लगे, देवी जी भगवान ने आपको अंदर बुलाया है, पधारे। बड़े दुखी हृदय से वो अंदर गई, दबे पांव पास में जाके खड़ी हो गई, ठाकुर जी को प्रणाम किया, वंदन करके सामने प्रणाम करके नतमस्तक होकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी महाराज आप मुकुट धारण करो, पुजारी जी ने देवी से कहा देवी जी अब मुकुट धारण कराओ। अब महिला मुकुट धारण कराने लगी ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी मूर्ति ऊंची और वो ठहरी नाटी, हाथ पहुंच नहीं जाए, मुकुट हाथ में पर ठाकुर जी के सिर तक पहुंचे नहीं ना, पहुंचे बिना मुकुट धारण करावे कैसे। हाथ वो लिए खड़ी रही और हाथ पहुंच ही रहा है और वो कह रही ठाकुर जी अब आपने यहां तक मुझे बुला लिया और अब भी आप मुकुट में आपको नहीं पहचान पहचान सकती हूँ, कितना मेरा अभाग है। और जो ही इस प्रकार उसने इस भगवान से विनती की, भगवान ने चटपट अपनी गर्दन झुका दी, मुकुट तुम्हारा ही आज मैं पहन सकता हूं। ऐसे जो ही उसने मुकुट सिर पर धारण कराया और एकदम फिटोफिट सेट हो गया। बस इस प्रकार से सज्जनों अब उसके सारे जीवन के जितने भी किसी भी प्रकार की कमाई है सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। तो समर्पित होने से भगवान चाहे, क्योंकि लोगों के लिए जिनके हृदय में मूर्ति का भाव है उनके लिए मूर्ति है और भगवान का भाव उनके लिए वे साक्षात भगवान है। और जब भगवान का भाव है तो वे कभी भी जड़ हो नहीं सकते, उनके लिए चेतन है, साक्षात परमात्मा है। ऐसे उस परमात्मा के प्रति तुझा ये कर्मबाई के लिए भी भगवान से जो जगदीश भगवान ने प्रकट होकर के और उनके इस प्रकार के स्नेह को भोजन भोग को स्वीकार किया, कहा क्या वर्णन किया जाए। ये भाग बता मीठे लगे बोर दिन एक जो वाह दिन अधाय अधाय अखा के जो भगवान साहब का है, मुझे तो एकदम या तो सबरी के बोर मीठे लगे थे उस दिन मैं तृप्त हुआ था बोर खा करके, और या साग विदुर जी में विषय दो विदुर जी के यहाँ पर मैंने उसके पत्नी के हाथ से केले के छिलके खाए, उससे मुझे जो आनंद आया वो आनंद बार बार याद आता है। केल छंद समरस नहीं है के जो तीजी बार तुम्हारे पायो और तीसरी बार तुम्हारे हाथ का खींच पा करके मुझे तृप्ति हुई है, ऐसो मत जन विरले पायो। इस प्रकार जैसा तुम्हारा हृदय का भाव है ऐसा हृदय का भाव कोई विरले जनों को ही प्राप्त होता है, अरे को ऐसा प्राप्त होना संभव नहीं है। वारण काज मनु सिद्धायो बंद छोड़ निर्बंध कहायो परम यथार्थ कर्मा पायो ए विष्णु गुरु मोहि बतायो। जैसे कर्मबाई का प्रेम परमात्मा के साथ में रहा है तो परमात्मा चाहे कैसे भी है अदृश्य रहने वाले हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, लेकिन जो भक्तों के लिए भी कभी एक पक्ष में नहीं रह करके जैसी जा आवश्यकता होती है उसी प्रकार वे बन जाया करते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में क्या वर्णन किया जाए, जो बंधन को छुड़ा करके बंद प्राणी को निर्बंधन मुक्त कर देने वाले हैं उस प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन है, उन्हें बारंबार प्रणाम है। ओम श्री राम नमो गुरु दयाल नमो श्री राम नमो गुरु दयाल नमो पूर्ण अर्जुन हर लाल नमो पूर्ण अर्जुन हर लाल नमो श्री लाल केवल राम नमो श्री लाल केवल राम नमो सुख धाम हरि गुरु धाम नमो सुख धाम हरि गुरु धाम नमो श्री राम नमो गुरु धाम नमो श्री लाल नमो श्री लाल रुके
सुखदाम हरे गुरु दाम नमो, 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 सुखदाम हरे गुरु दाम राम राम। नमो राम गुरुदेव जी जरत्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल कर्ण राम दास आनंद। एक नृपद गुरु अज्ञाकारी शीत प्रसाद में प्रीतव प्यारी प्रीत प्यारी। वामो कर मंडप सिद्धकारी संशय नृपद भयो मन भारी। औ कर बेरी मेरो अभी रिपुहणता क्षति धर्म जबही। चिंतत तनता भयो जखीना सेवक सुदृढ़ बूज परवीना। भूपत उत्तर गुण सुदीना निकषत कर हम रजनी बीना। भक्तों के प्रसंगों का वर्णन करते हुए दयाल जी महाराज ने अपने इस प्रकरण के अंतर्गत गए प्रसंग में कर्माबाई की बात बताई और भक्ति की महत्ता में उनसे यही कहा कि जो प्रेम से मुझे जो कुछ देता है मुझे वो प्रिय लगता है। एक पुरुषोत्तमपुर राजा की कथा बता रहे हैं। जगदीशपुरी का नाम पुरुषोत्तमपुर है, जगन्नाथ धाम है ना वहाँ का। वहाँ के एक राजा की ऐसी घटना है, भक्तमालों का कथा प्रसंग है, भक्तमाला में आती बात है। वो गुरु आज्ञाकारी था, गुरु महाराज ने उसे उपदेश दिया कि भगवान का प्रसाद नित्य नियम से धारण करना चाहिए। महाप्रसाद की महिमा अपरम्बर भाग्य सो जाने, दयाल बाल कालो जस वर्णे शंकर शेष वखाने। जिस दयाल जी महाराज कहते मैं प्रसाद की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, शंकर शेष भगवान भी उनकी महिमा का वखान करते रहते हैं। तो उस राजा ने ये नियम पकड़ा गुरु आज्ञा के अनुसार कि सदैव भगवान का प्रसाद लेना चाहिए नियम से। उसने दृढ़ निश्चय किया, निश्चय के अनुसार वो प्रतिदिन समय अनुसार प्रसाद देता रहा। वामो कर मंडप सिद्धकारी संशय द्रपद भयो बन भारी। एक दिन क्या हुआ, कोई उस राजा के प्यारे मित्र थे वहां पर आए, उनके बराबरी वाले राजा थे वो, मिलने के लिए आए और बैठे बैठे खाली टाइम था तो सोचा क्या क्या करे, कुछ खेल खेलो। खेलने में जुआ खेलने लगे, चौपड़ पासा शतरंज जूता है, हाथ में पासे लेकर के पासे डाले जाते हैं जुआ, जैसा कि पांडवों ने खेला था तो क्या दशा हुई जुए में। जुआ खेलन खेलो भाई, जुआ है गर्दन पर चढ़ जाता है तो फिर हार भी जीत की तरफ ले जाती है और जीत भी जीत की तरफ ले जाती है। हार गया तो भी जीत हार से ही जीत आएगी, और खेलो और खेलो और खेलो, आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहां राजा वो अपने मित्र के साथ में शतरंज खेलने लगा। संयोग वशात उसी समय मंदिर में से ठाकुर जी के पुजारी जो थे वो मंदिर ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के आए, और प्रसाद जो लेकर के आए उस समय राजा के हाथ में पासे थे और पासे चलते हैं दाहिने हाथ में, तो दाहिने हाथ में थे पासा, और पासा जब खेल ही रहे थे उसी समय प्रसाद आ गया। तो अब सोचे कि ये दांव लगाना है, ये भी छोड़ा जा नहीं सकता, इधर ये प्रसाद आ गया तो प्रसाद भी छोड़ना ठीक नहीं। तो राजा ने अपना बायां हाथ सामने कर दिया, अपना बायां हाथ। दान मान सम्मान में सदा रहता भगवान, अब पीछे क्यों जाते हो लकी रावण के बाण। राम जी जब
रावण से युद्ध कर रहे थे ना, उस समय एक कवि की कल्पना है, बाण जिस समय धनुष बाण चलाते हैं ना, तो धनुष पर बाण चलाते हैं तो उस समय क्या है कि ये बाया हाथ ये तो धनुष को पकड़ करके रखता आगे और दाहिना हाथ बाण को खेचता पीछे रहता है। उस समय कहता है ये बाया हाथ कह रहा है करे कोई दान देना हो तो तू आगे आता है, किसी आदर कदर करनी है तो तू आगे आएगा, किसी का सम्मान करना तो अच्छा काम करना तू आगे आएगा, आप लड़े का काम बड़ा तो मुझे आगे कर दिया तू पीछे जा रहा है, ये कहाँ का कायदा? लड़े का काम बड़ा तो दूर से ऐसे काम आगे रहे तो उसमें आगे रहना चाहिए, पीछे क्यों गया? तो तब इसने जवाब दिया हाथ ने वापस, हूँ रघुपति के कान में पूछ तो एक बात, दसों सिर दस वीर में या दसों हो एक साथ। अरे रे मैं फालतू को डर के मारे पीछे थोड़ी गया, मैं तो राम जी से एक सलाह करने के लिए गया हूँ, राम जी के कान में मैं सलाह कर रहा हूँ, क्यों कान तक हाथ जाता है खींच कर, मैं ये सलाह पूछना चाहता हूँ कि रावण के जो दस माते हैं इन दस मातों को अलग अलग काटना है एक बार में काटना है? मंत्रता तो गुप्त की जाती है, चौड़े दाड़े थोड़ी होती है, तो कान में मैं सलाह कर रहा हूँ, इसलिए मैं डर के मारे नहीं जा रहा हूँ, सलाह करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे शुभ कामों में सदा दाहिना हाथ आगे रहना चाहिए, परंतु आज हुआ क्या कि दाहिना हाथ में थे पासे तो सर बाएं हाथ में वो प्रसाद ले लिया, प्रसाद बाएं हाथ सामने किया तो पुजारी जी ने दाएं हाथ में दिया नहीं, क्योंकि इस हाथ में देना पुजारी जी का भी अपमान प्रसाद का अपमान, बाएं हाथ तो केवल पिटे में काम ले सकते हो, देखे कौन है डावा हाथ जी की बात है भाई, बाएं हाथ है वो पिटे में काम आएगा या गंदे काम में काम आएगा, इस हिसाब से तो प्रसाद पुजारी जी ने दिया नहीं, राजा को ठेस लगी, ओहो हो आज मैंने बड़ी भारी भूल की, प्रसाद के लिए मैंने बाएं हाथ आगे कर दिया, खेल चीज जो है निकृष्ट चीज है जो पतों को पतन की तरफ ले जाने वाली, इसको तो मैंने आदर दिया और प्रसाद को आदर देना चाहिए उसका मैं निरादर कर दिया, आज मैंने किया तो कल प्रजा भी ऐसा ही करेगी, ये होगा ना यथा राजा तथा प्रजा। इस हिसाब से राजा को उसी समय ग्लानि पैदा हो गई और उसी समय मन में निश्चय कर लिया कि राजा का कर्तव्य है जो अनिति करने वाला है उसे दंड मिलना चाहिए, जो अनिति करता है उसको दंड मिलना चाहिए, तो आज इस हाथ ने अनिति की है, दाहिने हाथ ने जो पास से पकड़ के बैठ गया और इस कारण से मुझे ये हाथ आगे करना पड़ा, तो इस हाथ को दंड देना ही चाहिए, बस राजा हो और कर मेरो वैरी रवि, वैरी को दंड देना चाहे दिया जाता है, तो ये हाथ आज मेरा वैरी है और शत्रु को तो है मारता है वो क्षत्रिय का कर्तव्य है, अपन करें तो करें कैसे, इसको कैसे दंड दिया जाए, अपने हाथ से अपने हाथ को काटना ये तो संभव होता नहीं है। चिंतत तनता भयो जुखीना, अब ऐसी चिंता लगी, हार्दिक चिंतन हो रहा है, ऐसा केवल बनावटी नहीं, हृदय से ऐसा चिंतन होता तो चिंता करते करते बेचारा वो तो दुबड़ा पतले पड़ने लग गया, थकने लग गया रोज का रोज, अभी एक सजा कब मिलेगी, कैसे सजा दी जाए, कैसे क्या करा जाए, क्या करूं क्या नहीं करूं, खान पान बंद हो गया और वो सजा का तरीका चिंता करते करते उसे चक्कर दिन में वही आने लगे। सेवक ने किसी ने पूछा, महाराज आप दिन दुबले कैसे होते जा रहे हो, काहे की आपको चिंता है, किस बात के आपको इस प्रकार फिक्र है जो दिनों दिन सूखे जा रहे हो? सेवक सुदृढ़ बुझ एकांत में उन्हें प्रेम से पास में बैठ करके जो अंग मित्र था उसने बात पूछी। भूपत उतर गोड़ सो देना, राजा ने जब ये बात उसकी सुनी तो एकांत में बैठ करके बड़े प्यार से उससे उत्तर दिया, देख भैया मैं अपनी बात बताऊं, मेरे में भीतरी जो बात मैं आज तक किसी को बताई नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। भूपत उत्तर गोड़ सो देना निक्षत कर रजनी बिना, मैं रात को जब सोता हूं ना तो मेरे पास में एक कोई प्रेत आता है रात को और प्रेत अपना हाथ दिखा करके मुझे मारना चाहता है और मैं उसे इस प्रकार धमका करके वापस कर देता हूँ, प्रेत कभी न कभी वो मुझे मार डालेगा,
प्रेत रोज मेरे पास आता इस प्रकार, कदी के प्राण हरत मम कर ही सुबह सूर मान जते। सेवक ने कहा महाराज बस यही बात है, अरे आप हमें हुक्म दो ना, हम उस प्रेत को मार डालेंगे, तलवार से भी काट डालेंगे उसको। कौन सा ऐसा बेईमान होगा, जो भी होगा हम उसको जिंदा नहीं रखेंगे। महाराज आप हमारे रहते, आप क्यों चिंता कर रहे हो, बस सारी चिंता छोड़ो। और जो है आप एक दिन रोज अगर आपके पास आता तो एक दिन मुझे अपने पास में रख लो, रात को मैं उसका हाथ काट डालूंगा, मार डालूंगा उसको, गर्दन काट कर। कई को कदे के प्राण हरदम रहता, सुबट भूर सूर मारण चित दरहीर, मारने का विचार कर लिया उसने, अर्ध रात दिन कर तब काटे और सहज सुभाय और दसवा लिया। अब जब ये बात उसने कही तो भैया तू तो बड़ा मेरा हितकर होगा अगर ऐसा काम करेगा, नहीं बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत प्रसन्नता होगी, वाजवाद मैं तुझे इनाम दूंगा, अच्छी बात है। अगले दिन राजा जब सोए, जिस महल में पलंग पर सोए हैं वो ही सेवक उसी पलंग के नीचे जाकर के सो गया, पलंग के नीचे हो गया, क्योंकि आएगा तो हाथ निकालेगा नीचे, तो हाथ निकालेगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। नीचे चंद्र जो थी ना वो चंद्र डाल रखी थी तो दूर से तो कोई दिखे नहीं, और वो आने जाने का रात को पता चल जाएगा कि ये हाथ है। इस हिसाब से अब वो नीचे सेवक सो गया, ऊपर राजा साहब पलंग पर सो गए। अब जो ही आधी रात का समय हुआ, राजा को नींद का आ रही थी बेचारे को, रात को नींद आ नहीं रही थी, जो ही रात 12 बजे का समय हुआ रात को, और राजा ने अपने जो चंद्र में से हाथ को बाहर किया और बाहर कर करके खाऊं खाऊं जैसे आवाज आ गई, ओ करने लगा। सेवक ने देखा, करे हाँ आ गया प्रेत, हो वो जो नीचे हाथ किया बाहर, उसने तलवार उठाई, हाथों हाथ से जैसे मुड़े को बंधा, जैसे बंधा दिया हाथ को, सुबट सूर मारण से दही अर्ध रात अंदर पुकर तस काट्यो सहज सुभा और तस बाढ़ जो हाथ उसने काट दिया और काट हाथ नीचे गिर गया। सेवक बाहर निकला, अब उसने कहा मैंने देख मार दिया उसको, प्रेत का हाथ काट दिया, लेकिन बाहर निकल कर देखता है तो राजा साहब का हाथ काटा। हे महाराज ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे द्वारा इस दुष्कर्म कैसे हो गया, आपको इस प्रकार आपने हाथ किया, ऐसा क्या हुआ, क्या कहा, आप तो बता रहे थे कि प्रेत आता है। अरे भाई यही तो मेरा प्रेत है, इसने गलती की और मेरे द्वारा ऐसा अपराध कराया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको दंड देना जरूरी था, इसलिए मैंने इसे दंड दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, धन्यवाद, और तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा, चिंता मत करो, तुमको तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, मेरे लिए जो आवश्यक काम करना चाहिए वैसा तुमने काम किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और इसी प्रसन्नता में पहले तक तो चिंता हो रही थी, तो चिंता में नींद नहीं आ रही थी, और आज हाथ कटा है तो कटे हाथ होने पर भी राजा को प्रसन्नता से नींद आ गई, नींद आ गई राजगुरु आराम से, हाथ बड़े नींद आवे, लेकिन मन में खुशी का आज मेरा जो काम सफल हुआ, इसको इस प्रकार दंड मिल गया, हाथ को नहीं, आइंदा फिर कभी कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगा जानकर ऐसा अपराध नहीं कर सके। इस प्रकार राजा सो रहा है। अब रात को सोते सोते राजा को रात में सपना आया, पुजारी जी ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के आए, सपने में प्रसाद लेकर के आए हैं राजा के पास में, कह रहे प्रसाद लो, राजा ने हाथ बढ़ाया सामने तो दोनों हाथ सामने किए, एक हाथ कटा हुआ है, दूसरा हाथ सामने किया तो जो कटा हुआ हाथ था उस जगह भगवान ने दूसरा हाथ लगा दिया उसके, और दोनों हाथ जोड़ करके सामने, दोनों हाथों में राजा ने प्रसाद लिया, और उठ करके देखा तो राजा ने हाथ तैयार है, हाथ बिल्कुल तैयार है, वहां कोई उसमें हाथ कटा हुआ था ही नहीं, वापस परमात्मा कृपा करने वाले भाई, जिनकी हृदय की निष्ठा प्रबल होती है ना, निष्ठा प्रबल होती है परमात्मा उसके लिए अपना नियम सिद्धांत सब बदल देते, सब बदल जाते हैं, भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को झुकना पड़ता है। इस प्रकार वो राजा ने रात को देखा है तो प्रसाद के कारण से हाथ ठीक हो गया, परंतु बाद में भगवान ने उनसे कह दिया, जगन्नाथ भगवान ने कह दिया, देखो पुजारी से आदेश दिया कि राजा के महल में जाओ, उसके पास में पलंग के पास में एक कटा हुआ हाथ पड़ा है,
उस हाथ को ले जाके बगीचे में लगाओ, बगीचे में लगाओगे उससे एक पेड़ पैदा होगा और उसके जो पेड़ के पत्ते बनेंगे उन पत्तों में मुझे भोग लगाने के लिए प्रसाद लेकर के लाना तुम्हें। उसी के हाथ से बनने वाले पत्ते में प्रसाद का भोग लगना चाहिए इस तरह, क्योंकि वो प्रसाद के लिए उसने हाथ कटाए अपनी निष्ठा को श्रद्धा को कायम रखने के लिए। तो मैं उसे कैसे इस प्रकार अंदाज कर सकता हूँ, कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। तो ये बात अर्ध रात नृप कर तब काट्यो सहज स्वभाव और तस्वाड़ो, सहज भाव से नया हाथ पैदा हो गया। दो जन मृतक शयन नृप आई, गुरु प्रसाद ले चित लाई, दीन दयाल कियो कर तभी हरिजन साक भरत है सभी। संत महात्मा ये इस राजा की इस लीला को देख करके उसके साक्षी दिया करते हैं। दोना वृक्ष भयो कर केरो तामज भोग अरोग सुमेरो। प्रभात कालीन जो कलेव का भोजन होता है वो उसी दोने में भगवान के लगाया जाता है। वर्षों वर्षों तक वो पेड़ भी कई बार बढ़ते गए, अब तो शायद पता नहीं रहे कि नहीं रहे, लेकिन उन्हें समय अनुसार नियम से बराबर, क्योंकि जगन्नाथ भगवान ये कलयुग के भगवान का, कलयुग भगवान के अवतार है। कलयुग में चार युगों में चार दिशाओं के चारों अवतार हैं। बद्रीनाथ ये सतयुग के अवतार है और रामेश्वरम है ये द्वापुर का त्रेतायुग का है, रामेश्वरम त्रेतायुग, और द्वापुर के हैं द्वारिका और जगदीशपुरी का है कलयुग। चार युगों में ये चार प्रकार के अवतार इस तरह। तो ऐसे उसको महाप्रसाद को स्वीकार किया उसने। एक अल्लेदास जी महाराज भगवान के प्यारे भक्त हुए, अच्छे संत महात्मा, संत भी उनको प्यारे लगते थे, संत संत सेवा करते थे। वे एक बार संतों के साथ में कहीं जा रहे थे। हरिजन हरिष प्रीता रामत सेवक भाव सुनीता, विष्णु तरोर फल्यो रस देख्यो भाव उपज हरि भोग सुपेख्यो, साध राम गुरु तीनों कारण जाचा दोषन वेद विचारण। अब वहाँ वो महात्मा जी एक दफे कहीं जा रहे थे दूसरी जगह दूसरे गांव की तरफ, चलते चलते बीच में एक आम का बगीचा आया, देखा आम का बगीचा, अच्छे आम के पेड़ लगे हुए थे, अच्छे छाया थी बैठने के विश्राम करने के लिए, और आम के फल भी अच्छे लगे हुए थे। संतों ने वहाँ विश्राम कर लिया और देखा बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी पके हुए फलों की। अब संत महात्मा वहाँ पर बैठे थे, वो अपने अपने पूजा पाठ में लगे थे, अल्लेदास जी भी वो भी अपने पूजा पाठ में लगे। उनकी इच्छा हुई कि आप पके हुए आज ताज़ा फल अच्छे भगवान के हैं तो इनके भगवान के भोग लगाना चाहिए, इनके ठाकुर जी के भोग लगावें। उन्होंने इस प्रकार मन में विचार किया, तो विचार किया तो फिर भी विचार करते हैं कि भाई अब अपन किस अपने आप तोड़ते हैं तो ये तो चोरी होती है, इसलिए अपना आप तो देना नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ जो भगवान है उससे पूछ करके वो दे देता है तो ठाकुर जी के दो चार फल भगवान के भोग लगा दे रहे, ऐसा मैंने विचार किया और पता लगाया। भगवान मिल गया उनसे और उनसे कहा भाई हमें ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए हमारे को कुछ आम की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो तुम? तो उसने मजाक में कह दिया, अरे भगवान भगवान के भोग लगाने के लिए आप लेना चाहते हो तो अरे भगवान तो खुद शक्तिशाली है, जरूरत होगी तो खुद ही दे लेंगे, उनको देने की क्या जरूरत, वो तो अपना आप लेने वाले हैं, उनको देने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, ये आप क्या तमाशा की बात कर रहे हो। संतों ने देखा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भगवान अपना आप ले लेंगे, तुमने याद दिला दिया और हम भगवान से निवेदन कर दें। हरिजन कहो अम्बदे भाई हंसी करी दुष्ट ऋषाई, दुष्ट ने इस प्रकार ऋष में आकर की ये बात कही, पोषण भरण करे है भगवान आपे ले दे का दाना, भगवान तो पोषण भरण पोषण करने वाले हैं। बैठ ध्यान गुरु को जन धार्यो आत्म सेवा मन विस्तार्यो, करे समर्पण अम्बा सारा दीजे भोग हमें करतारा। अब वहाँ सुन करके महात्मा जी आकर के बैठ गए और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। आत्म सेवा में आत्म रूप से भगवान का चिंतन करते हुए वे उनसे कहने लगे भगवान से संत महात्मा अल्लेदास जी, हे भगवान
ये आम के फल बगीचे के सब आपके अर्पण हैं, आप स्वीकार कर लो। आम के सब फल आपके अर्पण हैं, आप स्वीकार कर लो। अपना और तो क्या करे, मना कर दिया तोड़ना है नहीं, और भगवान के अर्पण करना अपने पास में कुछ लगता नहीं, अच्छी बात है, स्वीकार करो। करे समर्पण अम्बा सारा, लीजिए भोग हमें करतारा, आप हमारे भोग को भोजन प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। डार बधी पद पंकज ताई, सहजा उधर ढेर भय भाई। अब जो ही ये निवेदन किया, उनकी बात सुनते ही जितने भी बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उन पेड़ों की सारी लंबी लंबी डाले बढ़ बढ़ करके थे ठाकुर जी के चरणों में झुक गई, और वहां से आम टूट टूट करके ठाकुर जी के पास ढेर लग गया। सब पूरे पेड़ हो गए आम खाली, सब आके ठाकुर जी की सेवा में लग गए। जो निवेदन किया सबके सब आपके अर्पण है, तो भगवान स्वीकार कर लिया, डाल बढ़ गई। अब वो मालिक बगीचे वाला वो देख रहा, पेड़ तो सब खाली हो गए, आम एक ही बचा नहीं, गजब हो गया। अरे गजब हो गया, अब तुमने तो मजाक की, लेकिन मजाक किया तो महंगी पड़ गई, गजब हो गया। आए आके संतों के चरणों में गिर पड़े, महाराज होते असाध सहजा उतर डेरे में भाई, साधु सो भैया गुरु प्रसाद नमो जस कैया। अब वो आके संतों के चरणों में गिर पड़े हैं, आपको बारंबार नमस्कार है महाराज, महाराज बड़े बड़े आप चमत्कारी महापुरुष हो, मुझे पता नहीं, मुझे तो इस प्रकार आपके साथ में इस प्रकार मजा की, लेकिन आप परम दयालु कृपा करो। संतों का भाई ठाकुर जी भोग लगे जो लगे, बाकी तुम तुम्हारे ले जाओ, ले जाओ, हमें क्या करना है, हमें कोई दुकान थोड़ी लगानी है। हम तो तुमने ऐसे मजाक में ऐसे कहा, इसलिए तक भगवान को सौंप दिया, और तुम देते तो वही भगवान के अर्पण कर देते, जितने देते वो कर देते, और तुमने कहा तो भगवान के अर्पण सब अपना ले लेंगे, तो अपनी मर्जी आ जितना सब उनकी है, तो उनकी चीज उन्हें ले स्वीकार कर ले। इस तरह अल्लेदास अगम की आशा भगतपुरी में किया वासा। अल्लेदास जी के लिए आम के फल अर्पण कराए। सूर्यवंश में एक भगवान के प्रिय भक्त, नित्य निम में सदा भजन में लगे रहने वाले, आत्म सेवा आत्म रूप में परमात्मा की सदा मानसी सेवा किया करते थे। पौर सवाल अग ध्यान सुधरही, युद्ध समाज बण्यो रे पूजाही, समय विचार। जयमल सिंह जी की कथा प्रसंग, जयमल सिंह जी महाराज मेड़ता की बात है ये, वहाँ के राजा थे, सूर्यवंश में भगवान की प्रिय भक्ति करने वाले, नित्य प्रति नियम से गुरु आज्ञा पालन करते हुए नाम स्मरण करते थे और ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। मानसिक सेवा में वो नियम था उनका, सवा पौर तक अधिक भाव से बिना कुछ बोले चाले मौन रख करके ध्यान भगवान का किया करते थे, उनका नित्य नियम का था। ऐसे समय में उनसे द्वेष करने वाले मंडोर के कोई उनका साथी राजा था, उसने देखा कि अब जब ये बाकी के टाइम में तो उसको जीत सकते नहीं, लेकिन जब उस समय ध्यान में रहते हैं ना, उस समय में इनको इनके शहर को हमला बोल करके उसे कब्जा कर लो, और इस तरह वो मेड़ता हमारे कब्जे में आ जाएगा। उसने योजना बनाई और चुप करके अपना ये सारा सेना के साथ में आक्रमण करने का जो कार्यक्रम तैयार कर लिया, सेना को कई बार छुपा करके एक अलग जगह बैठा दिया, और जिस समय वो ध्यान रखते ध्यान धारण करते हैं समाधि में रहते हैं, तो सवा पौर तक उस समय तक हम केवल बैठे रहेंगे और कुछ इनके साथ में और कुछ बोलना चालना कुछ नहीं है, और कहते अगर कोई ऐसे समय में बीच में छेड़ देगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, इतना हुक्म दे दिया देश बहुत कड़क, कोई उनके पास में बीच में जा सकता नहीं। इधर जो ही उस शत्रु ने आक्रमण करने की योजना बनाई तो पता लगा सेनापति को, उसने जाकर के देखा कि हम राजा की आज्ञा के बिना तो कुछ कर सकते नहीं, और राजा साहब भजन में बैठ गए, मौन में बैठे हैं, क्या किया जाए। माता जी से जाकर के कहा, माता जी आप महाराज जी से कहिए ना, आज्ञा हो तो हम युद्ध करने के लिए सेना में जावे, क्या करना है। माता जी ने कहा, बेटा अब क्या बताऊं, अब है तो उनका नियम कोई बीच में जा सकता नहीं उनके पास में, परंतु आप लोग कहते हो प्रजा के हित के लिए तो जाओ, मैं जाती हूँ। माता जी अंदर गई, बेटे से बात कही, परंतु उन्होंने देखा अरे माँ है क्या करूँ, माँ जी अब पधारो, अभी कुछ नहीं करना, बस
उनको लौटा दिया, उसने आगे जवाब दे दिया, बेटा वो तो बोल नहीं रहा है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ जवाब दिया नहीं। सेनापति निराश होकर के चला गया। अब होगा सो होगा, हो ही सोई जो राम रचिरा का, को कर तर्क बढ़ावे साका। अब से भगवान के सिद्धांत को जोड़े वाला वही होगा, कौन बदल सकता है। वो तो निराश होकर के लौटे, इतने में स्वयं भगवान जयमल सिंह जी का रूप बना करके खटाखट खटाखट नीचे उतर कर आएगा, जल्दी घोड़ा तैयार करो। सेनापतियों ने देखा, अरे रे राजा साहब तो आ गए, चलो। उसी समय वो भी सेनापति ने अपने पूरी बटालियन को तैयार किया, घोड़सवार घोड़े पर सवार किया भगवान ने जयमल सिंह जी के रूप में। युद्ध के लिए मैदान में उतर गए, घमासान युद्ध किया और घमासान युद्ध में सारी सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। और परास्त कर करा करके जब पूरा काम संपन्न हुआ, वहां से लौट करके उस घोड़े को वापस घुड़साल में बांध दिया, और अब आप जो नीचे उतरे थे उसी प्रकार वापस महल ऊपर चढ़ गए और चल करके अंतर्ध्यान। टाइम पूरा हुआ, स्वयं जयमल सिंह जी खड़े हुए, दरवाजा खोला और खोल के कहने लगे, जल्दी तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो। लोग कहने लगे, किनके साथ युद्ध करना महाराज, अभी तो अभी युद्ध करके आप आ रहे हो और अभी तो घोड़े का पसीना भी नहीं सूखा, उसकी बूंदे टपक रही है, ये क्या कर रहे हो आप तो महाराज। अरे कहाँ, मैं तो मैं अपनी जगह कमरे में बैठा था, बाहर आया नहीं, तो अभी युद्ध किसने किया। देखिए आप घोड़े के पास चल करके नीचे उतर करके गए घोड़े के पास, घोड़े पर घोड़े को देखा, पसीने की बूंदे टपकती। उन्हें घोड़े को देख करके वे गदगद हो गए, वाह भाई वाह, अरे मेरे से तो तू भाग्यशाली है जो भगवान ने तेरी सवारी कर ली, तू भाग्यशाली है। मैं तो आज तक केवल ढोंगी बना उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुझे उठकर दर्शन मिल गया, धन्यवाद। आज तक तो केवल ये 4 घंटे ही मैं भजन में लगता था, अब 24 घंटे भगवान की सेवा में होगा बस। अब 24 घंटे उनके, इतनी चिंता करने वाले, इतना सब कुछ करने वाले, संभाल करने वाले हैं, बताओ उनको कैसे भूला जाए। इस प्रकार में ज्यादा पूरे समय को भगवत सेवा लगे। ऐसे जयमल सिंह जी ने, जयमल जी के रूप में भगवान ने जयमल रूप धरियो भगवाना, तत्क्षण अश्व चढ़े बलवाना, मार पछार प्रतिज्ञा राखी, सदा साई की भगवत साखी। जो प्रतिज्ञा कर रखी थी जयमल सिंह जी ने, उनकी उस प्रतिज्ञा को भली भांति भगवान ने प्रकट होकर के पूर्ण किया, उसे सफल किया। हरिजन ध्यान धरण एक नामा, संत महात्मा तो केवल एक नाम का विश्वास रखते हैं, नाम के सारे को पकड़ लेते हैं, मार्ग चले संगदावान, ऐसे पूर्ण रूप से उनके समर्पित होते हैं तो भगवान भी, हम अपनी तरफ से उनको याद रखते हैं तो भगवान अपनी तरफ से सबको याद रखते हैं, तो कभी किसी को भूलते नहीं है। आगे के प्रसंग में एक ब्राह्मण की कथा बता रहे हैं। एक ब्राह्मण का बाल्यकाल में विवाह हो गया था, बड़े होने पर वो अपने पर ससुराल गया पत्नी को लाने के लिए माता की आज्ञा से, और वो जब पत्नी को लेकर के रवाना हुआ, घर वालों ने यथा एक धन संपत्ति जो देनी थी सब कुछ उन्होंने दी, चीज वस्तु देवी, गहना गाँटा दिया और लाड प्यार से उनको विदाई देवी। चलने लगे, पैदल ही यात्रा थी उनकी, चल रहे थे, बीच में ठग आ गए, ठगों ने और चलते चलते उनसे उनके गांव का पता ले लिया, मालूम कर लिया कौन सा गांव है। वो दोनों ठग मिल करके वहां से आगे सोचते लगे कि मार्ग मार्ग में जाएंगे तब इनको मार पीट कर लूट लेंगे, ये औरत भी मिल जाएगी, इनका गहना गहना मिल जाएगा, इस छोकरे को मार बुरा करके ठिकाने लगाने के क्या होगा। ऐसा विचार करके वे चलने लगे। उस समय साथ में जब चले तो वो कहे, भाई तुम तुम्हारे जाओ, हम हमारे मार्ग चले रहेंगे। अरे भाई हमारा भी गांव वही है, हमें वही जाना है, इसलिए एक से दो आदमी रहे तो बढ़िया रहना, आप भी अकेले जा रहे हो, आपके साथ औरत है, और न मालूम मार्ग में कोई लूटपाट हो जाए तो कोई साथ में आदमी रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना। उन्हें विश्वास कर लिया, ठीक है चलो भाई चलो। तो साथ में होते होते आगे ऐसी जगह दूर आया, एक गांव एक मार्ग बाई तरफ, दूसरा दाहिने तरफ, अलग अलग मार्ग जा रहे थे। ये लोग वहां से अपने मार्ग की तरफ जाने लगे, ठगों ने कहा, उस गांव के लिए ये मार्ग है बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, यहाँ तो
अभी उधर से 5 घंटे लगेंगे, इधर से 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, इतना नजदीक मार्ग है। ओके भाई, हमारा देखा बाबू ही मार्ग है। भाई देखो, मैं बता दो, मेरा काम यहाँ से पड़ता है, बई बार आता जाता रहता हूँ, तो इधर चले चलो आप, बढ़िया रहेगा। अरे आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कोई आपके साथ दगा थोड़ी करूँ। अगर मैं आपके साथ में दगा करूँ तो आपके मेरे पीछे राम जी है, आपके मेरे बीच में राम जी है। पत्नी ने कहा अच्छी बात है, अपने राम जी को बीच में दे दिया, अब क्या डरना है, चलो भगवान हमारे साथ है, चिंता मत करो आप, चलो इनके विश्वास हुए साथ में, उनके साथ में रवाना हो गए। आगे घोर जंगल आ गया, उबड़ खाबड़ जगह, खड्डे वगैरह आए, ऐसी जगह मौका दे करके, लूटने का मौका देगा, उन्होंने पकड़ करके उस ब्राह्मण को मार दिया और गिरा दिया, और औरत को साथ में लेकर के क्या चलने लगे, चलो। अरे वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगी औरत, वो कि किसको देख रही है, जो तेरी रक्षा करने वाला था उसको तो मार दिया, देख ले वो तो मरा पड़ा है, और दूसरा यहाँ कोई आदमी है नहीं आने वाला, तो इस सुनसान जगह में तेरी सहायता कर सके, इसे किसे देख रही तू। ओके, मैं आदमी नहीं देख रही हूँ, जो आपके मेरे बीच में जो आपने राम दिया था, नहीं, उस राम को देख रही हूँ। आपके मेरे बीच में राम है, आपने कहा था नहीं, वो राम का है, मैं उसी को देख रही हूँ। जो दृढ़ विश्वास के साथ में उस भाई के वचन निकले, तत्काल भगवान प्रकट हुए और तुमने चक्र चला करके उस दुष्ट को खत्म किया, और उस मरे हुए ब्राह्मण को जीवित करके उसके साथ में ले जाकर के घर तक पहुंचाया, उसे उठा उसके घर तक पहुंचाया, और उसकी भली भांति मार दुष्ट पति दियो जवाई, गुरु भक्ता संग आप सदाई। जो गुरु भक्ति करने वाले रखने वाले हैं, भगवान सदा उनके साथ में रहा करते हैं, परंतु चाहिए निष्ठा उनके प्रति, जितनी प्रबल निष्ठा होगी इतना ही उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी बहुत देर तक। संत महापुरुष गुरु महाराज कृपा करके हमें अपने इष्ट के प्रति वही निष्ठा है प्रबल रूप से बताया करते हैं। एक रामदास जी नामक गुजरात